राधे राधे एवरीबॉडी, राधे कृष्णा। सो आज जन्माष्टमी है और गुड गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। कृष्णा इज अ पावर, कृष्णा इज अ कॉन्शियसनेस। लॉर्ड कृष्णा डिस्प्लेज हिज पावर एज द सुप्रीम लॉर्ड। कहते हैं कृष्णा, अगर आपने कृष्णा को साथ लिया तो आपने इस धरती पर कैसे जीना है उसको समझ लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम कृष्णा कहा जाता है कि आपके अंदर के डिमंस, जैसे आपके अंदर के जो भी भाव है उस सब को चेंज करके एक प्यार की भावना को जो उत्पन्न करता है आपके अंदर, अनकंडीशनल लव इज व्हाट कृष्णा। व्हेन कृष्णा एक्चुअली कहते हैं कृष्णा जब आपके लाइफ में आ जाते हैं तो आपके लाइफ से क्रोध काफी कम हो जाता है। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ लव। कृष्णा किल्ड डेमन्स ऐसे बोलते हैं, द वॉइस इज नॉट क्लियर। व्हेन दे से कृष्णा किल्ड द डेमन्स, कृष्णा एक्चुअली हेल्प्स यू टू किल द डेमन्स विद इन यू। हम बहुत सारे चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू वेल, हम भगवान को अगर हमारा कुछ अच्छा हुआ तो हम कहते हैं ये हमारा टैलेंट है। इफ वी डू समथिंग रियली गुड इट्स लाइक आवर टैलेंट एंड वी वर्क हार्ड, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी से गॉड डिडंट डू गुड विद अस। We always feel that God didn't give us a good deal, and we keep complaining. All right. Baby, I think the voice is on. A lot of people can listen. आप अपना वीडियो या तो बंद कर दीजिए। तेलुगु, there's no Telugu translation. I'm sorry. So today we will understand from the man from the beyond what is कॉलिंग आउट टू कृष्णा टू बी योर सारथी। कहते तो है कृष्णा को हम पसंद करते हैं, कृष्णा को हमको ये चाहिए, कृष्णा ऐसे करने चाहिए, वैसे करने चाहिए, बट आर वी रियली रियली गिविंग द रेन्स इन द हैंड? आर यू रियली ट्रस्टिंग द पावर? हम मांगते सब कुछ है, बोलते सब कुछ है। वी से दैट यस आई हैव सरेंडर टू गॉड, मैंने तो लेट गो कर दिया, हो गया सब कुछ, बट स्टिल यू हैव नॉट गिवन द ट्रस्ट, यू हैव नॉट सरेंडर्ड। सो कृष्णा माई सारथी, दैट द मैन फ्रॉम द बियॉन्ड, द मिस्टिक, माई मेंटर इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इज हाउ टू बी इन द एसेंस एंड अलाउ व्हाट एवर यू हैव कम हियर टू एक्सप्रेस, उसको आप अलाउ कैसे कर सकते हो टू नो व्हाट यू आर कम हियर फॉर। So over to Sri Viral ji to begin the journey of Krishna my Sarathi. नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे हरे राधे। कृष्ण सर। हरे कृष्ण। कृष्ण। राधे राधे जी। राधे राधे। कृष्ण कृष्ण। हरे हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण सर। कृष्ण 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 कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को बहुत आनंद आया। आज के इस प्रवास में जो यात्रा हम करने जा रहे हैं,
तो बहुत ही सरल शब्दों में आपसे बात करूं तो कृष्ण को सारथी कैसे बनाए इस विषय पे। हाँ हम कृष्ण को मानते हैं, हम कृष्ण को पहचानते हैं, हमारे लिए कृष्ण सब कुछ है, लेकिन कितने हैं जो कृष्ण को पूरी तरह से जानते हैं? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। कोई कह सकेगा? आप में से कोई ये बात का जवाब दे सके? क्या कृष्ण को हम पूरी तरह से जानते हैं? सो मल्टी डायमेंशनल वी कैन नॉट नो हिम। पार्डन पार्डन, थोड़ा सा स्पष्ट हुई। हाँ जी आप बोलिए। वो इतने मल्टी डायमेंशनल है कि हमें से उसका खाली उनका एक अंश जान सकते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ। ठीक है, बहुत अच्छा। हम यहां जो आज बात करने वाले हैं और जो विषय को आज छेड़ा है हमने, पर ये समय पे ये बात क्यों की जा रही है और उसका महत्व तो आपके लिए क्या है? जो कृष्ण को प्यार करते हैं, जो कृष्ण को जानना चाहते हैं, वो कृष्ण को समझना चाहते हैं। पहला एक ऐसा प्रस्ताव आपके सामने मैं रखता हूं कि कृष्ण ज्यादातर जो हमें पता है वो कृष्ण भाव वाले कृष्ण, जहां पे हमारे भावों को जगाया जाता है, कृष्ण हमारे भाव को जगाता है। और अगर कहीं गोकुल, मथुरा, वृंदावन, यहां आपने प्रवास किया है, अब वहां के लोगों से मिले हो, वहां के मंदिर में गए हो, तो आपको कृष्ण के प्रति वहां के लोगों का भाव, वहां जाने वाले लोगों का भाव, वो आपको समझ आएगा। और कृष्ण के भाव को पूरे जगत में इस्कॉन ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, जिसमें मेन रोल उसके स्थापक का है। उन्होंने कृष्ण को सारथी बनाया, उन्होंने कृष्ण को पूरे जगत में पहुंचाया, लोगों को समझाया कि कृष्ण को कैसे तो एक चित्र है जो भाव का है, एक जो बातें हैं वो भाव की है। हमसे कुछ उससे कुछ अलग बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत उत्साह बताया, आप लोग आए तो आप किस जिज्ञासा से आए? और आप बहुत लोग ऐसे हैं नए, मुझे पता है कि वो मेरे बारे में या मुझे जानते नहीं है, मेरी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे समझना चाहते हैं, कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कौन सी अपेक्षा से आए, क्या है जो आपको खींच के लाई? कोई भी अपनी बात कह सकते। हरे कृष्ण।
बोलिए बहन जी। हेलो, मैंने इसलिए ज्वाइन किया, वैसे मैं आपके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती, कि शायद मुझे भगवान के बारे में कुछ और ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़े टाइम से इस्कॉन ज्वाइन किया है, एक दो क्लास थोड़े टाइम से क्लासेस ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आपसे और भी कुछ नॉलेज मिल सकती है। तो बहुत अच्छे मोना जी। अनीश जी, बताइए अनीश जी। अनीश जी बात कीजिए, आपका वीडियो साथ ऑडियो साथ बंद है। अनीश जी बोलिए, मनोज कुमार जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैंने बहुत सारे ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, भगवद गीता और इस्कॉन टेम्पल में, जगन्नाथ ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में मैंने ज्वाइन हुआ हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है भगवान के बारे में जानने के लिए। तो ऐसी ऐसी कोई चीज है जो संसार में हम लोग जीने के लिए तो आते हैं और एक दिन चले भी जाएंगे। हाँ। जी। तो भगवान ऐसे क्या सुनाए हैं जैसे संसार में हर कुछ तकलीफ को लेके चलना है और हर जगह पे सर उठा के जीना है। जी। हाँ। तो जैसे कहते हैं कि भगवान अर्जुन अर्जुन को समझाए थे कुरुक्षेत्र में, उनका रथ में सारथी बने थे, वही सब सुन के बहुत अच्छा लगता है और मन को शांति भी मिलता है। जितना भी चाहे दुख हो, जब भी भगवान नाम लो वो दुख सर मिट जाता है। बहुत अच्छी जी सर, धन्यवाद मनोज जी। हम रिमी जी से सुनेंगे। रिमी हेलो। यस बोलिए। गुड इवनिंग सर। Good evening. But I want to be like Arjun. I want a sarathi like Krishna. That's why I am in that class. That's wonderful. Amazing. Thank you so much. Thank you. Vanshi. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. सर, ये ग्रुप मैंने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि जैसे कि अर्जुन खुद एक इतने बड़े महारथी थे, फिर भी उनको उस टाइम पे खड़े होकर वहाँ पे इतनी बड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी और उस टाइम पे कृष्ण उनके सारथी बने, तो हमें लगता है हम जो अर्जुन ने जो लाइफ जी है उसका सिर्फ कुछ कर्ण सिर्फ कुछ पार्ट है जो हम जी रहे हैं, बट हम फिर भी अपनी डिफिकल्टीज को इतना बड़ा बना लेते हैं अपनी लाइफ में और हम होप लूज कर देते हैं बीट अ यंगर जनरेशन। तो मुझे लगता है कि हमें खुद में एक अर्जुन और हमें भगवान पे एक उस कृष्ण और अर्जुन के रिलेशन वाला फेथ बिल्ड करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया। बहुत अच्छे। राधा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने इसलिए जो बंद रखे ना तो उनको सुनने में आसानी हो गया हमें। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि बचपन से मुझे कृष्ण बहुत पसंद है। दुख में चाहिए मेरे को मित्र कृष्ण, परेशानी में चाहिए मुझे सारथी कृष्ण, और सुख में चाहिए मेरे को प्रेमी कृष्ण। इसके लिए मैंने कृष्ण को बहुत पसंद किया। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी SRE SRW बोलिए। बोलिए जी। श्री ठीक है। अनीश जी अभी आप बात करना चाहेंगे? आपका ये ठीक हो गया ऑडियो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्री सर, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश सर? या यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल विद। एक्चुअली आई जॉइंड टू नो मोर स्पिरिचुअलिटी अबाउट कृष्णा सर, एज आई एम माय फेवरेट गॉड इज कृष्णा, सो आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम। And
That's it, sir. Wonderful. As I'm student, sir, so my favorite god is Krishna, sir. Wonderful. I think that as Krishna devotee, Krishna made this opportunity to get joined to our Zoom meeting, sir. Wonderful. Thank you so much. Thank you, sir. Yes, iPhone. Hare Krishna, sir. My name is Sharmita. Yeah. Sir, मैंने रिसेंटली भगवत गीता भी खरीदा है बिकॉज मुझे कृष्णा से एक जो कनेक्शन फील हो रहा है अभी रिसेंटली ये हुआ है सो आई डोंट नो इफ इट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस और मैंने इस्कॉन टेम्पल भी रिसेंटली विजिट किया था सो आई वांट टू नो मोर अबाउट माय फेवरेट गॉड बिकॉज आई फील कनेक्टेड टू हिम मोर देन एनी अदर गॉड सो या दैट्स द रीजन आई जॉइन टू दिस क्लास ब्यूटीफुल दैट्स लवली अब हम हाँ बड़े दीपाली और आरसू आप बोल लीजिए सर हरे कृष्णा एज अ स्टूडेंट आई वांट टू नो मोर अबाउट कृष्णा ओवरकम माय डिफिकल्टीज एंड फेस द पीपल बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड वंडरफुल सो ग्रेट I admire your career, I mean your passion to know about Krishna. Arasu. Hare Krishna. Hare Krishna. We are celebrating Janmashtami. Yes. So it will be very pleasure to hear Krishna about Krishna. Yes. The divine it will be a divine feeling, and moreover, Krishna means all attractive. What really attracts Krishna? Hmm. That I want to know actually why okay. He is all attractive. Okay. Thank you, sir. ठीक है अभी हम आज जो बोलना है उसके ऊपर बात करते हैं देखो कृष्णा एक सारथी करके that is what we are going to talk today. I will make you understand few things. But mind well one point. I am very radical in my thoughts. Okay, I am not contemporary. So I will talk little bit about myself later. I don't feel, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी ऐसा कोई समय आया है जिसके ऊपर मैं बात करूं मेरे बारे में एक सही समय पे आज के प्रोग्राम में मैं मेरे बारे में थोड़ी बात करूं मुझे पता है आपको ये जानना you have that inquisitiveness to know about me, why am I talking about Krishna, what is my अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी ऑन विच आई एम टॉकिंग मैं क्यों ये बात कर रहा हूं और क्या ऐसा विषय है तो मैं आपको आई विल टेक यू टू दी वेरी बेसिक जर्नी ऑफ माई लाइफ ओके देयर बाय एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जीवन में आई आज जो आप भगवत सप्ताह अलग अलग बहुत सारे कथाकारों से वैसा नहीं था मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं तो बहुत सिंपली भागवत कथा 7 दिन की रखी जाती थी और 2 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई कि हमारे घर में ऐसी व्यवस्था थी एक ग्राउंड था बाहर छोटा सा एक बंगलों के बाहर तो वो ग्राउंड में भगवत गीत भगवत कथा का पारायण 7 दिन का चला और ये 2 बार मेरे बचपन में ऐसा मौका मिला मुझे उससे सुनने का आज भी मैं अगर याद करता हूं तो मेरे दादाजी के बड़े भाई वो मुझे शिवा के मंदिर में लेके जाते थे बहुत बड़ी शिवा की लिंग है कौपनेश्वर मंदिर थाना में है उसके बाजू में रहता थे वो दृश्य अभी भी मैं भूला नहीं हूं मेरा कृष्ण के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता रहा कैसे कृष्ण अष्टमी को पैदा जैसे ही वो पैदा हुए वासुदेव और देवकी उसे यमुना पार लेके गए
नंद और जसोदा के यहाँ 5 बजे उनका जन्म होता है। पूरी रात ये प्रवास करके गए और मेरा जन्म भी उसी समय इसलिए मेरा और कृष्ण का एक बहुत गहरा मैं अंदर से एक नाता महसूस करता हूं। प्रश्न निर्माण करते करते आज मैं आपके सामने बैठा हूं कृष्ण की बात करने। जब मैं कृष्ण की बात करता हूं या गीता की बात करूंगा, महाभारत की कुछ बातें करेंगे हम, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन कृष्ण को मैं पूरी तरह से जान पाया हूं और समझ पाया। जब तक मैं ये नहीं करता मैं इसके ऊपर नहीं बोलता। एक समय था मैं गया था मथुरा में। अब योग कैसे बनते हैं कि मेरे ससुराल वाले जो है वो भी वहां के हैं और वो वहां गोवर्धन पर्वत के मंदिर में मेरे ससुर काम करते थे, तो उनका भी सबका एक लगाव वहां पे रहा। कृपा करके आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो ये मेरा कनेक्शन है कृष्ण के साथ। तो वहां मैं मथुरा में गया था तो मुझे मेरे कुछ साले वहां रहते हैं मथुरा, मेरे मौसी जी भी वहीं पे है। तो एक बहुत सिद्ध ज्योतिष के पास हम गए थे, उनके साथ हम बैठे थे, ये कुछ साल पहले की बात है। हम बात कर रहे थे तो मैं पता नहीं क्या मेरे में ऐसी रुचि आई तो सबको हटा दिया और हम दोनों बातें करते बैठे थे। बातों में वो एक बात पे आए, मुझे ये कहा कि मैं रात रात भर वृंदावन गोवर्धन अलग अलग जगह पे जाता हूँ, रात को जंगल में टहलता हूँ, मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ और मुझे पता है कि कृष्ण अभी भी है यहाँ पे और मुझे कृष्ण से मिलना है। मैंने कुछ बोला नहीं और ये बात मैं अपने हर बात में जब भी बातें करता हूं आज के समय में तब ये बात को रिपीट करके बोलता हूं और वो भी बात आपके सामने मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं। आप यहां आए हो तो कृष्ण को मानते हो और भक्त हो कृष्ण के। मेरा एक सीधा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर कृष्ण आपके पास आते हैं ये समय में और आपको मिलते हैं, जैसे उस ज्योतिष की जिज्ञासा थी कि मुझे उनसे मिलना है, अब ये घटना आपके साथ घटती है तो क्या होगा? कोई 2-3 जन मुझे ये बताएगा। सर एक तो बहुत खुशी होगी, मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे उस चीज को, क्योंकि दिल से कृष्ण को चाहते हैं ना हम लोग, तो सामने आ जाएगा तो या तो बोल ही नहीं पाएंगे हम लोग कुछ तो जी। बहुत अच्छे प्रणीता जी, और थैंक यू सर। या भी मिची बोलिए। सर इट मीन्स वी आर ब्लेस्ड किड्स अगर हम कृष्ण को इस समय देख पाएंगे तो, या महसूस भी कर पाएंगे। ठीक है, आई विल फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। यस बोलिए।
बोलिए सुभाष जी। बोलिए राधा जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं, आप म्यूट पे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। रुके, मैं ये कह रही हूँ जी, क्या साक्षात भगवान हमको मिल जाएंगे तो क्या पहले तो हम उनको पहचान पाएंगे? बहुत बढ़िया। और यदि पहचान गए तो फिर तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, साथ ही लाएंगे अपनी, और वो रोज है हमारे साथ में। सिर्फ ये है कि हम पहचान नहीं पा रहे, कण कण में जो बस रहा है वो हमेशा तन में भी हमारे बसा हुआ है, लेकिन हम आत्मा छोड़ के हम बाहर उनको ढूंढते, इसके लिए उनको मिल नहीं पाते बस। बहुत बढ़िया राधा जी, बहुत सुपर कहा आपने, ये पहला पड़ाव है आपके सामने। हम वो कृष्ण को पहचानेंगे कैसे? आज कृष्ण सज धज के वो ही गेटअप में आपके सामने आता है तो आप क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, आप ये कहेंगे कि आपने गेटअप बहुत अच्छा किया है, कहां से करवाया मेकअप ये? अगर वो सादे कपड़े में आपके सामने आए तो आप ये कहेंगे, तो पहचान ही नहीं पाएंगे। अच्छा आप कौन हो, आप क्या हो, आप रफीक भाई हो, आप राधा हो, आप ये उलझन में फंस जाएंगे। तो आज के कृष्ण की दीदा ये है कि मैं इनके पास जाना चाहता हूं, मेरे भक्तों से मिलना चाहता हूं, तो मेरे भक्त मुझे पहचानते ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो आज कुछ ऐसा हो सकता है कि आप उसकी पहचान को पहचान पाओ, पहली बात। दूसरी बात, लक्ष्मण जी आप अपना ये म्यूट कीजिए ना प्लीज। हाँ दूसरी बात, कृष्ण को मेरे मत से बहुत कम व्यक्ति समझ पाए। প্রস্তুতি আমি করবো, আপনি পাঁচটা লক্ষ্মণ জি আপ বার বার আনমিউট না করেন। লক্ষ্মণ জি স্যার নমস্কার। হ্যাঁ জি বলিয়ে। কৃষ্ণ হ্যাঁ কম বতা রহা বতা রহা হুম, সারি বাতে করনে তো আয়া হুম মে, মেরা পারপাস হি ইয়েহি হ্যায়। कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने आप का वर्णन किया है गीता में। आप लोगों ने, कितने लोगों ने गीता सुनी है, पढ़ी है पूरी तरह से? गीता न को कम से कम हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने समझाने की कोशिश की, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने गीता को जीने की कोशिश की, फिर भी वो कृष्ण को मिल नहीं पाए। राइट राइट, जब ये बात का गहरा एहसास हो जाता है ना आपको, फिर आप चुप हो जाते हो, आपके पास बोलने के शब्द नहीं होते। तो इस बात को समझने के लिए हम दो तीन विषयों पर बात करेंगे। हमारा पहला विषय होगा कृष्ण के बारे में, हमारा दूसरा विषय होगा गीता के बारे में, हमारा तीसरा विषय होगा महाभारत के बारे में। महाभारत की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने महाभारत को पढ़ा है या सिर्फ ऐसे दूर से जानते हैं? सर पढ़ा है पूरा? नहीं आधा पढ़ा है, बट देखा पूरा है। वो देखने वाला महाभारत अलग है,
अच्छा ओके। महाभारत की एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि महाभारत कम से कम 12,000 उसके वर्जन्स हैं, ठीक है ना। ये सारे वर्जन को कंपाइल करके एक संस्था ने कुछ 30-40 साल के बाद उसके स्कॉलर्स ने एक ग्रंथ बनाया। उसमें जो महाभारत में सच हो सकता था पूरी तरह से उसे समाविष्ट किया। इतने उसको भी गहराई से पढ़ना समझना आज की तारीख में ऐसे स्कॉलर्स हमारे पास नहीं है, ऐसा अध्ययन करने वाले लोग कम है। और हम गीता कृष्ण महाभारत की बात ऐसे करते हैं इनके जैसे हमें सब कुछ पता है। तो महाभारत और गीता के बात बारे में मैं अपने विचार रखूंगा। मैं ग्रंथ में क्या है उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है। मैं उनके बारे में जानता हूं। मैं जो प्रश्न निर्माण करता हूं आपके सामने, अभी कृष्ण को ये सब ग्रंथ है ना भाव के ऊपर काम करते हैं ज्यादा। अब हमें भाव से जरा उठने की जरूरत है। थोड़े से प्रश्न जो अभी बुद्धि से बात करनी थोड़ी जरूर पड़ेगी। तो मैंने मेरा पहले प्रश्न ये उठाया कि ये लिखा किसने है। ये लिखा गया है व्यास मुनि गीता महाभारत, उसके बाद उसके वर्जन आए काफी सारे। वो जब ये लिखने बैठे थे तो उन्हें प्रेरणा कौन देता? सर सर महाभारत तो वेद व्यास ने लिखा है, गीता किसने लिखा है? व्यास नहीं लिखी, व्यास ने जी 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 ओके। तो उससे प्रेरणा कहां से आई, किसने दी? सर कृष्णा भक्ति से। नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जब हम किसी चीज को मानने लगते हैं ना तो फिर हमें ऐसा लगता है कि पूरा जगत कृष्ण ही चला रहा है। जो शिव के भक्त है वो बोलेंगे पूरा जगत शिव चला रहा है, शिव चला रहा है। अभी और किसी की बात करेंगे तो वो बोलेंगे ये चला रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं है। यहाँ प्रश्न ऐसा है, ये छोटी सी बात समझनी, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो ये प्रेरणा किसी ने दी, इसीलिए ये ग्रंथ। और वो प्रेरणा के पीछे इंटेंशन बहुत महत्व का लिखने जी ने इंटेंशन सुन लीजिए थोड़ा सा। तो आज तक वो इंटेंशन जिंदा है, आज भी वो इंटेंशन जीवित है। आप जब मुझे सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूं उसका कारण ही वो इंटेंशन। गीता जब लिखी गई थी तो आपको क्या लगता है कि गीता ऐसे आज आप कोई पुस्तक कोई पब्लिश करता है, गीता प्रेस करती है या और कोई करता है तो ऐसे कोई पुस्तक के रूप में इतने समय से चली आई है? नहीं, एक मेमोरी में चली आई है। और उसके बाद जब हम उसे प्रिंट करना सीखे ना या लिखना सीखे उसके बाद वो लिखा गया है। तो लोग उसके श्लोकों को कंठस्थ करते थे। ये पावर था गीता में, ये पावर है गीता में आज भी। तो ये जो प्रेरणा से आया है ना, तो महाभारत का एक सीधा सीधा बहुत सिंपल आपके सामने एक प्रस्पेक्टिव रख रहा हूं। ये प्रस्पेक्टिव है, देखिए ये सत्य नहीं है, मैं इसको सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। ये मेरी मुझे जो प्रेरणा से बात समझ आई है वो प्रेरणा से ही मैं ये बात आपके समक्ष रख रहा हूं। महाभारत हो, रामायण हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, ये सारी एक ऐसी प्रेरणा है
तो आज तक जीवित है। महाभारत इज द बेस्ट। आज के किसी भी साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजी जानने वाले हैं उसको बोलो तो महाभारत में वो क्षमता है कि उसके स्टडी में मास्टर्स तक जो भी उन्होंने स्टडी किया है उससे भी ज्यादा ज्ञान महाभारत में है ह्यूमन साइकोलॉजी का। आज भी क्या जिंदा है महाभारत, आज भी जिंदा है। आज भी कौरव आपके अंदर जिंदा है, आज भी पांडव आपके अंदर जिंदा है, आज भी अर्जुन आपके अंदर है, आज भी कृष्ण की आपको आवश्यकता है। अभी एक सोचिए कि महाभारत में जिस घटना के सारथी की घटना की हम बात करने जा रहे हैं उसके पहले की सारी परिस्थितियों की बात नहीं करता हूं, मैं सिर्फ महाभारत के युद्ध की बात करता हूं। महाभारत के युद्ध में कौरवों का सैन्य था। अब उस समय की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से कौरवों के पास 7 लाख का सैन्य था, पांडवों के पास 7 लाख का सैन्य था और कृष्ण के पास 7 लाख का सैन्य था। अब जब ये कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने 2 चॉइस दी और दुर्योधन ने वो चॉइस को स्वीकार कर लिया। यानी अब देखिए 15-16 लाख का सैन्य और उसके सामने 7 लाख का सैन्य, सब कुछ दुर्योधन के फेवर में था, सब कुछ कौरवों के फेवर में था, योद्धा भी कौरवों के फेवर में थे, उसकी क्षमता भी कौरवों के फेवर में थी, सब कुछ उनके प्रति था। और ये एक ऐसा युद्ध था जो हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगर महाभारत किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ी है तो कुरुक्षेत्र जो प्रदेश है उसका सिलेक्शन करने ये लोग निकले थे जब कि युद्ध यहां होगा, उसके पहले घटना होती है। वहां कुछ लोग रहते हैं, वहां कुछ कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो उनका व्यवसाय ही मृत्यु से संबंधित होता है। तो अगर वहां पे मृत्यु नहीं हुई तो उनके उनके संप्रदाय के लोग अपने ही लोगों को मार के भी वो अपना आजीविका चलाते थे। तभी वो इतनी क्रूरता थी। और आप देखिए कि जहां जहां क्रूरता होगी वहां कुरुक्षेत्र होगा। क्रूरता सिर्फ व्यक्ति को व्यक्ति से मारने की नहीं है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाने की भी क्रूरता है। हर प्रकार की क्रूरता आती है इसमें। जहां क्रूरता आई वहां कुरुक्षेत्र हो ही जाता है। अब ये चॉइस करने के बाद ये सब कुछ युद्ध की तैयारी हुई, युद्ध का ग्राउंड वहां पे गए। अब उस चीज उस समय की कल्पना कीजिए, जस्ट विजुअलाइज दैट देयर आर 15 लाख पीपल अगेंस्ट दैट 7 लाख पीपल आर वेटिंग एंड सडनली रथ के ऊपर अर्जुन को ये प्रश्न उठता है कि मैं इनको कैसे मारूं। तो इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। आज के जमाने में एक सीधी सीधी बात करते हैं, हम महाभारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, जहां कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां आप अर्जुन की स्थिति पे चले जाते। जहां क्रूरता आती है वहां कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। अब उस वक्त अर्जुन को निर्णय लेना था। एक बात ध्यान में रखिए, ये कार्यक्रम जब तक समाप्त होगा मैं 3 चीज आपको ऐसी महत्व की देने वाला हूं। शायद आपने वो सोच के भी कभी नहीं आए होंगे आप। तो उस स्थिति में क्या
अर्जुन की स्थिति रही होगी और क्या कृष्ण इतनी बड़ी गीता इतने सारे श्लोक के साथ समझाई क्या है। वो कृष्ण थे, वो बोल सकते थे अर्जुन को मेरा सुन ले ये कर डाल। हम अपनी इतनी सी ऑथोरिटी को कैसे यूज करते हैं लाइफ में। उसने कोई ऑथोरिटी यूज की नहीं, उसने उसको पूरा ज्ञान दिया, परसुएशन से समझाया और जब वो नहीं माना तभी उसने अपना विराट रूप दिखाया। और इस विराट रूप के अंदर उसने, अगर आपको उस दर्शन की बात है, तो अर्जुन एकदम हक्का बक्का रह गया, उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। तब वो जाके सरेंडर हुआ। एक बात समझ लो कि आप लोग भी बुद्धि से सरेंडर होने वाले में से नहीं हो। बात करें तुमको बहुत आसान बात कहता हूं, और चोट लगेगी, चोट सीधी लगेगी, आपके पास वो क्षमता नहीं है अर्जुन जैसी। अच्छा आप वेट करेंगे वो मुझे कृष्ण आए मुझे विराट रूप दिखाए तभी मेरा परिवर्तन होगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। उसके लिए अर्जुन की क्षमता भी नहीं है हमारे पास। तो पहले कृष्ण को बुला के उस, और कृष्ण और अर्जुन के अंदर एक रिलेशनशिप था, एक साला और बहनोई का एक मित्रता थी जब ये समझ आया फिर अर्जुन लड़ने को तैयार हुआ। अब ये हमारी बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके जीवन से संबंधित है। क्या कृष्ण जब उसका रथ चलाता था अर्जुन का तो कृष्ण कहता था कि आप कहां जाके लड़े, या अर्जुन कृष्ण को कहते थे आप ये मेरा रथ कहां लेके जा। कृष्ण उस महाभारत में क्या करते थे 18 दिन तक सिर्फ रथ चलाते थे? नहीं, बिल्कुल। ये महाभारत को रोकने के लिए कृष्ण ने क्या क्या सहा है वो भी किसी को पता नहीं है। जब कृष्ण वो पांच गांव का प्रस्ताव लेके गए थे कौरव के पास तो कौरव ने उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया था? नहीं, खराब से खराब तरीके से ट्रीट किया था। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूं मेरे साथ ऐसा बर्ताव आप कैसे कर सकते हो। अगर वो कौरव उनके साथ बर्ताव करते उसको कुछ नहीं बोलते हैं तो आप कैसा भी बर्ताव करेंगे कृष्ण के साथ वो कभी आपको सामने मुड़कर बोलने वाला नहीं है। कृष्ण को खाना भी नहीं दिया था, बाद में विदुर की पत्नी ने उसके लिए खाना बनाया था, वो भी बहुत मुश्किल परिस्थिति थी। तो उसने अपने आप को किस तरह से उस स्थिति में जाके ये महाभारत के युद्ध तक आई बात, तो वहां चलता था एक फॉर्मेशंस, हर दिन युद्ध में फॉर्मेशंस चलते थे, अलग अलग फॉर्मेशंस आज कल कैसे बनाया जाए वो शाम को बैठ के वो लोग बात करते थे और उसके बाद नेक्स्ट डे वो एग्जीक्यूट होता था। उस दरमियान कृष्ण ने वो सब कुछ किया अर्जुन के लिए और पांडव के लिए। क्यों? उसने हर युक्ति का प्रयोग किया। शाम को बैठ के उसकी स्ट्रैटेजी बनाने में वो उनको हेल्प करते थे, वो युधिष्ठिर को समझाते थे,
और महाभारत के युद्ध के बारे में शायद मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन ये जानकारी दे देता हूं कि युद्ध जब समाप्त हुआ तो सिर्फ 11 लोग बचे थे, सिर्फ 11, उसमें से 5 पांडव थे और एक कृष्ण थे। इतना विनाशक युद्ध था। आज उसका संदर्भ क्या है? आज मैंने जो भी महाभारत और गीता की बात की उसका संदर्भ आज है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो पहले शुरुआत करते हैं कृष्ण से। कृष्ण एक ऐसी महान शक्ति है जो शायद ही हम उसे समझ पाए हैं, जान पाए। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि कृष्ण ये शब्द का अर्थ आपके लिए क्या है? अगर कृष्ण को जानना होगा, समझना होगा, तो पहले उसे नाम से शुरुआत करनी होगी। यस प्लीज। यहां तक आप मेरे साथ हो कि नहीं? आप और कुछ जानना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? बाद में आएगा। भास्कर जी बोलिए। यस भास्कर जी। बोलिए। जी बोलिए भास्कर जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। ठीक है, और कोई? तुझे कृष्णा एवरीथिंग आई थिंक। जी कृष्णा इज एवरीथिंग, जड़ और संपूर्ण जीव जंतु सब कृष्ण में इंक्लूडेड है वो। आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैंने ये कहा कि कृष्ण नाम का अर्थ है सर, आकर्षण है सर। रफीक जी आप कुछ जी आकर्षण आप जो आकर्षण बोल रहे हैं ना वो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक, पूरे सही नहीं है। पूरा आकर्षण सब कुछ आकर्षक प्रभु जी, सर्व आकर्षक, सबसे ज्यादा आकर्षक, मतलब उनसे ज्यादा आकर्षक कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने नाम का अर्थ पूछा है, ये आप उसका गुण धर्म बता रहे हैं। वंशी जी, हु इज ब्लू इन कलर, द पर्सन हु इज इन ब्लू। वंशी, कृष्ण का मीनिंग है कर्म सार, हमारे कर्मों का सार। जी, आप सुन रहे हो ना सब लोग? आप सब लोग सुन रहे हो? कृष्ण का अर्थ है हमारे कर्मों का सार। ठीक है, हाँ राधा जी, कृष्ण का मतलब है जो सब में होते हुए भी नहीं है। और एक भगवत गीता के रचयिता कुंती के चचेरे भाई के मित्र और अर्जुन के साथ, ये उसका वर्णन है। वर्णन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। रिमझिम जी हेलो। हाँ बोलिए। ए डार्क पर्सन हु कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग एवरीवन, हु इज दैट? राघवेंद्र यादव। डार्क पर्सन, व्हाई इट इज द कृष्णा का अर्थ ही यही है, डार्क। कृष्णा मींस डार्क, मतलब अंधेरे में उजाला लाने वाला। ये हमारा मानना है, अर्थ नहीं है। ब्लैक और डार्क सर, काला भी बोल सकते हैं उसको। सिंपल डार्क है, काला नहीं है, डार्क। काला, आप डिफरेंस समझिए डार्क और ब्लैक में, बहुत डिफरेंस है। तो जिसने नाम रखा ना, ये नाम की चॉइस ही बहुत जबरदस्त है।
ये सारा रहस्य इस नाम में छुपा हुआ है। कृष्ण को अगर जानना है ना तो उसका नाम को समझना पड़ेगा, उसके नाम में उतरना पड़ेगा। क्यों 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 उसे काला कहा गया? और गीता में उसने कहा है कि मैं अत्र तत्र सर्वत्र हूं, तो ऐसा क्या है काला कि जो अत्र तत्र सर्वत्र है? प्रियंका जी बोलिए बोलिए प्रियंका। जैसे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के अंदर तो जैसे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के अंदर सब समा जाता है, ब्लैक होल के अंदर जैसे सब कुछ समा जाता है। नहीं जी नहीं, इट्स एनर्जी कि हम उसके अंदर समा जाए। नहीं जी नहीं, आपको मैं एक एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। श्री जी आप बोलिए पहले, फिर मैं आपको रहस्य बताऊ। श्री जी या सर, अत्र तत्र सर्वत्र है तो कृष्ण अक्कड़ा इक्कड़ा अन्नी चोट्ल तन योक्क रूपम कलिगि उंटुंदी। కృష్ణ అనగా డార్క్నెస్ సార్, కృష్ణ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సాంస్క్రిట్ వర్డ్ డార్క్నెస్ అండ్ హీస్ ద గాడ్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సార్, దట్ విచ్ అట్రాక్ట్స్ ద ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ ఇస్ డార్క్ అండ్ విచ్ ఇస్ అట్రాక్టివ్ సార్? వాట్ ఈస్ దట్ విచ్ ఇస్ డార్క్ అండ్ అట్రాక్టివ్? డార్క్ అండ్ Don't know, sir. देखो बहुत सिंपल बात, let's talk very clearly about this, okay? Okay, sir. आपको मैं एक रहस्य बताने जा रहा हूं। 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले नासा को कुछ जानकारी हाथ लगी जो आज के पहले कभी नहीं लगी थी। उस जानकारी में ये बात आई कि जो पूरा जगत है, जो पूरा जगत आप समझ रहे हो, वो 400-500 बिलियन लाइट ईयर का है, विजिबल यूनिवर्स। अब यहां से हम कुछ बातें बहुत स्पष्ट करेंगे। वो 500 बिलियन लाइट ईयर का जो पूरा विजिबल यूनिवर्स है, वो विजिबल यूनिवर्स में जो प्रकाश है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। बाकी जो है एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी, नहीं नहीं मलेश्वरी वेट, आप लोगों को पता है इसलिए। बाकी के जो 76% है वो डार्क एनर्जी है, और 23% है वो डार्क मैटर है। और कृष्ण के जितने भी आप बचपन से लेके, अगर उसकी कोई भी बचपन की कहानी उठाओ, कितने सारे राक्षसों को उसने खत्म किया है, कितने सारे। भास्कर जी आप म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, कितने सारे राक्षसों को उसने खत्म किया है। वो छोटा सा बच्चा था, इतने डरावने डरावने राक्षस उसके पास आते थे, तो ऐसी क्या उसके पास शक्ति रही होगी जिससे वो खत्म हो जाते थे। और वो जितनी भी माया क्रिएट करते थे, जो भी कुछ करते थे अपने जीवन में, वो सब कुछ डार्क मैटर की वजह से। और जब इस बात को आप गीता में लिखे कृष्ण के वर्णन से जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वो इतनी जबरदस्त शक्ति है। अगर ये शक्ति है तो आप लोगों ने जो शुरुआत में कहा, जो स्टार्टिंग में कहा कि अगर कृष्ण हर जगह पे है तो मेरे अंदर भी है, तो उसे जागृत कैसे करें? आज मैं उसको जागृत करने की 2-3 विधियां भी बता दूं। आप कैसे कृष्ण को मिल सकते हो और उसको सारथी कैसे बना सकते हो, हम अभी उस बात पे आएंगे। तो ये बात को समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने
क्योंकि भाव जब तक नहीं ऊपर जाते हैं तब तक आप भगवान को मिल नहीं पाते। भगवान को अगर मिलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। और ये जगत का एक सीधा सीधा नियम है, आप जो भाव से चीजें करेंगे वो भाव का प्रतिसाद आपको मिलेगा। बहुत सिंपल नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत बाद में आया है, और एक छोटा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक छोटी बात है। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो ये भी अब सारे कंसेप्ट अभी अभी आए हैं। हमारे ऋषि मुनि ने तो ये बहुत पहले, अगर समृद्धि की बात करते हैं, अबंडेंस की बात करते हैं, तो अबंडेंस कृष्ण के जैसा किसी के पास हो ही नहीं सकता। आप कृष्ण अबंडेंस की बात करते हैं, पूरे जीवन को पूरी तरह से जीने की बात करते हैं। उसके पास कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं है, वो कहते ही नहीं है कुछ छोड़ो, सब अनुभव करो। वैभव, तो कृष्ण वैभव आकर्षित करवाता है। ये रियलिटी है कृष्ण। फिर भी हम क्यों मिस कर जाते हैं, क्यों फिर भी हमारे जीवन में वो अबंडेंस नहीं आ सकता है, क्यों फिर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्यों हम कॉन्फ्लिक्ट में कूद जाते हैं, उससे बाहर कैसे निकले? बहुत सिंपल रास्ते में आपको आज देने वाला गीता फिर भी जीवन में उतरती क्यों नहीं है, समझ में आती है जीवन में नहीं आती है। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक एग्जांपल लीजिए, यहां एक व्यक्ति बैठा है, कोई भी हो सकता है आप में, और आप में सभी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे कुछ करना है चाहिए, तो वो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? मैं आप ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, हमारे दोस्त है हमारे साथ राजशेखर जी, मणिगुरु। मणिगुरु जी, अगर आपको अभी कुछ चाहिए तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे और कैसे उसको प्राप्त करेंगे? सर जी, वैसे मैंने किया है, आपको आप जानते हैं। इंटेंशन एक्शन जी नहीं। आप में से किसी को भी कुछ चाहिए तो कैसे प्राप्त करते हो, चलो मुझे बताइए। बिलीव नहीं। आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, ये सारे जो सेल्फ हेल्प के फंडाज है ना, वो सिर्फ हम फंडा लेके घूमते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। जहां मर्जी आए वहां पे, जहां जरूरत पड़े वहां पे चिपका देते हैं। मैं बहुत हार्डकोर इंसान हूं, मैं अभी इस वक्त पे मुझे जो बताया जाता है कि बस बहुत हो गया, इन लोगों को बहुत 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 समझा लिया, अब टाइम हो गया है, आप इनको है ना जरा सा, कोई आपके घर के अंदर सोया है, एक दिन सोया, दो दिन सोया, आप क्या करेंगे, उठाएंगे नहीं उसको? किसी बच्चे को नौकरी पे जाना है, स्कूल पे जाना है, तो आप कैसे उठाएंगे? 50 बार बोलेंगे, आखिर में जाके पानी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आखिर में अपनी आवाज ऊपर करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलेंगे उस चीज को। तो ये आपके लिए जरूरी है। हम जो भी करते हैं ना, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। ये इंटेंशन विंटेंशन तो बाद में आता है, बुद्धि पहले आती है, डिजायर पहले आती है, इच्छा जागृत होती है। कृष्ण कहता है कोई वांधा नहीं, जो भी इच्छा है जागृत करो, पूर्ण होगी वो। लेकिन हम इच्छा में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं। हम जो भी काम करते हैं, आपको मैं अभी लिख के देता हूं, 24 घंटे देता हूं, आपके साथ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। आप एक छोटी से छोटी, सुबह उठने के बाद एक छोटा ब्रेकफास्ट बनाने की, ब्रेकफास्ट खाने की, चाय पीने की
खाना खाने तक की प्रवृत्ति में आप देखेंगे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही काम करते हैं। जब जब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया आपके साथ आपके रथ पे कृष्ण नहीं है, आपने उससे रथ छीन लिया और आप बन गए अर्जुन जिन्होंने अपने रथ को खुद के हाथ में रखा है, कृष्ण को पीछे बिठाया हुआ है। आपके कुरुक्षेत्र में कृष्ण सारथी नहीं है। आपके कुरुक्षेत्र में अर्जुन को आपने सारथी बनाया है। अर्जुन आप तभी बन पाते हो, भास्कर जी वेट की, अर्जुन आप तभी बन पाते हो जब आप कृष्ण को सारथी बनाते हो। अर्जुन बनने के लिए कोई बड़ा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, अर्जुन बनने के लिए कृष्ण को अपना रथ यानी अपना डिसीजन उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण गीता में सरेंडर की बात करते हैं, वो सरेंडर हमारा होता नहीं है। हम सरेंडर क्या करते हैं, हम सामने मूर्ति के ऊपर सरेंडर करने की बात करते हैं, गुड फेयर इनफ। पर यहां पे प्रॉब्लम आती है कि अर्जुन यानी कि हमारी बुद्धि से हम कृष्ण की शक्ति को चलाना चाहते, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है बरसों से या कुछ ऐसा हो रहा है, दैट मींस आपने वो प्रॉब्लम कृष्ण को सरेंडर किया है, आपने अपनी बुद्धि से उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। एक बार आपकी बुद्धि को छोड़ के देखिए, उसके ऊपर छोड़ के देखिए, कृष्ण के ऊपर। उसको रथ कभी भी, कृष्ण जब रथ चलाता है तो अर्जुन कहता है वहां रथ जाता है, और वो मार्गदर्शन भी देते हैं। ऐसा वन वे ट्रैफिक नहीं है अर्जुन का और कृष्ण का, वो टू वे ट्रैफिक है। दोनों में एक संवाद चलता है, ट्यूनिंग होती है, एक अलाइनमेंट होता है, तभी महाभारत जीता जा सकता है। हर हमेशा आपका दिल है ना कुछ और कहता है, आपका दिल कहता है वो कृष्ण है, आपके अंदर से जो इंट्यूशन आता है वो कृष्ण है। आपने कभी वो इंट्यूशन को सुना नहीं, दरकिनार कर देते हो और इंट्यूशन को और अपनी इच्छाओं को समझ नहीं पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आज मैंने कृष्ण का नाम पूछा तो आप अपनी अपनी मान्यताओं से आए आगे, हकीकत से नहीं आगे आए। लोग कहते हैं कृष्ण के बारे में कितनी गलत धारणाएं लोग बोलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि 16,000 रानियों से क्यों उसने शादी की। वो ये प्रश्न पूछने वाले कृष्ण को कभी समझ ही नहीं सकते और समझ ही नहीं पाए। कृष्ण को समझने के लिए कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहिए, और कॉन्शियसनेस तभी बढ़ती है जब आप सरेंडर और श्रद्धा के मोड में आते हुए। तो एक सिंपल सी, ये बहुत कहना बहुत आसान है मैं जो बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिस कहीं ना कहीं आपको शुरू करनी पड़ेगी, अपने इंट्यूशन को, अपने फीलिंग्स को। देखो चार चार पार्ट है आपके जीवन के, बहुत आप जो करते हो उसके चार पार्ट। एक है आपके विचार, दूसरे है आपके इमोशंस, तीसरे आपकी फीलिंग्स। फीलिंग क्या होती है, जो आपकी बॉडी में जनरेट होती है इमोशंस के और थॉट की वजह से, वो फीलिंग होती है। वो फीलिंग आपको बताती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना आपको। अगर जो भी आप करते हो ना, अगर आप सही गलत है तो आपकी फीलिंग आपकी बॉडी में इमीजिएटली इलेक्ट्रिक करंट की तरह इंफॉर्मेशन दे देती है। आपको एक कंफर्टनेस अनकंफर्टनेस इमीजिएटली पता चलने लगता है।
अब सरेंडर करने के लिए कृष्ण की शक्ति को आगे रखिए, अपने विचार को पीछे रखिए, कृष्ण जहां कहते हैं वहां अपने विचार लगाइए। और चौथा पार्ट आता है एक्शन का। हमारा काम है जो हमें निर्देश मिलता है वो एक्शन में लाना है, एक्ट करना है। एक्ट करने के समय भी हम उस निर्देश को नहीं समझ पाते हैं, हम बुद्धि से सोच के आगे बढ़ते हैं और वहीं कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ये बहुत इतना सरल है लेकिन हमने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है इस बात को। तो सारथी बनाने के लिए और कुछ दो, ये तो मैंने टेक्निकल रास्ते बताए, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए मुश्किल होगा, आप इसके विश्लेषण में पड़ जाएंगे, आप बोलेंगे मैं कैसे करूं, पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, मैं समझ नहीं पाता। तो मैंने आपके लिए कुछ आसान रास्ते देने वाला। ये आसान रास्ते देने के पहले मैं चाहता हूं कि आप अब तक मैंने जो बोला उसके ऊपर आपके विचार रखना चाहते हो या कुछ प्रतिभाव देना चाहते हो या कोई प्रश्न करना चाहते हो तो हम बात कर सकते। यस प्लीज। बोलिए। यस हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मोरना। जैसे आपने बताया कि कृष्ण जी की जो मर्जी होती है हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये भगवान की मर्जी है, हम उनके अकॉर्डिंग कैसे चल पाएंगे, हमें इसका एहसास कैसे होगा? मोरना बहुत सही प्रश्न पूछा लेकिन एक आपके प्रश्न में ही एक डिफिकल्टी है जी। भगवान की मर्जी आपने कहा जी। भगवान कभी भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं, ये बात को ध्यान में रख लीजिए। आप भगवान हमेशा वही करते हैं जो आप चाहते हैं। आप अर्जुन और उस स्थिति में जाइए, वो युद्ध की स्थिति में जाइए, मैंने यही कहा कि भगवान अपनी मर्जी से रथ को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जाते थे, अर्जुन उसे कहता था जी। तो वो सारथी है, इस बात को समझ गए, भगवान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। तो आज अगर कुछ तोड़ना है, कुछ छोड़ना है, कुछ समझना है तो आप डिसाइड करते हो, आपको वो पूरी शक्ति उसने दी है, आपने जो चॉइस किया वो जीवन आपके सामने खड़ा है, आप चूज करें आगे आपको क्या चाहिए। पहली बात, आप कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल बात बताता हूं। जिस रास्ते पे जाते हो, आपको आप यहां से दिल्ली गए, आप दिल्ली का रास्ता चुना, आप अगर रास्ता भटक गए तो क्या देखेंगे? माइलस्टोन देखेंगे, गूगल देखेंगे। हमारे अंदर एक माइलस्टोन होता है, गूगल होता है। जिस रास्ते पे जाओ वहां पे अगर आपको अंदर से बड़ा, यू शुड फील बिगर इन योरसेल्फ, वास्टनेस फील होनी चाहिए, तो आपका निर्णय सही है। आप पूछ के देखिए अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ऐसे ही डिसीजन लाइफ में हजारों बार आप लेते हो। जब भी आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वहीं पे आप ये डिसाइड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको निर्देश क्या मिल रहा है, कि आपको राइट में जाना चाहिए कि लेफ्ट में। तो सोच के देखिए कि राइट में जाते हो तो क्या आता है, सोच के देखिए आप लेफ्ट में जाते हो तो क्या होता है, आपके अंदर क्या घट रहा है। एक जगह पे आपको वास्टनेस फील होगी, एक जगह पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। जहां वास्टनेस फील होती है बिना सोचे समझे वो डिसीजन ले लीजिए, गलत नहीं हो सकता। अगर ये भी समझ नहीं आता है मोरना जी तो एक बहुत आसान टेक्निक देता हूं, ये टेक्निक कभी फेल नहीं हो सकती है। आप कोई निर्णय अभी लेना चाहते हो, आप लोगों में से कोई भी कोई निर्णय लेना चाहते हो अभी कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? हाँ सर। प्रणीता जी आपका निर्णय बोलिए, अगर आपको एतराज नहीं। हाँ मुझे राइट में जाना है। आप अपना एतराज नहीं होना तो जो भी एक्चुअल घटना है ना उसके बारे में
दो लाइन बोले, मुझे डिटेल नहीं चाहिए। अच्छा एक्चुअल घटना, एक्चुअली मैं अभी है ना काफी टाइम से जॉब कर रही थी 18 सालों से, बट अभी मैं ऑकल्टे में आई, मुझे कभी कभी मतलब समझते नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन है इसके मामले में। आप स्पेसिफिक कंफ्यूजन की बात कीजिए ना, कोई निर्णय जो आप लेना चाहते हो उसकी बात कीजिए। मैं एक्चुअली खुद का है ना एक छोटा सा बिजनेस करना चाहती हूँ, बट मैं वो निर्णय ले नहीं पाती। तो आपको ये पूछना है अपने आपको कि आपको ये कौन सा बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली सर एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे उसके रिगार्डिंग ही सब करना है। आपको सिंपल अगर वास्तु कंसल्टेंसी का बिजनेस में करूँ कि नहीं करूँ ये प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछेंगे? पूछिए ये प्रश्न अपने आपको, पहले प्रश्न पूछिए। मुझे अगर पूरा प्रश्न पूछिए, मुझे वास्तु कंसल्टिंग करना है तो मैं कंसल्टिंग नहीं बिजनेस दोनों में डिफरेंस है। बिजनेस करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? बिजनेस करना है कि प्रोफेशन करना है? दोनों, बिजनेस प्रोफेशन बोथ। हाँ तो ऐसा बोलिए पूरा। मुझे वास्तु कंसल्टिंग में बिजनेस और प्रोफेशन दोनों में मुझे काम करना है, तो मैं कहाँ से वो कर सकती हूँ? मुझे करना है इतना ही बोलिए। अच्छा मुझे करना है, ओके ठीक है। अभी आप सांस लीजिए, अब मुझे बताइए कि सांस ये आप जो ले रहे हो कहाँ जा रही है, कितने आप अंदर गहराई कितनी है सांस की? हाँ पूरी गई, 90% गई, 10% कहाँ तो बच गई। वेट वेट वेट, आपका आंसर में आपके आप जो बोलते हो उससे पहले समझ ना, कहाँ गई वो नहीं पूछता हूँ, कहाँ तक गई वो पूछता हूँ। सांस मेरी देखिए पेट तक गई, पेट तक गई। आप वापस चेक कीजिए, एक वाक्य बोलिए और फिर चेक कीजिए। मैं वास्तु कंसल्टिंग में अपना प्रोफेशनली और बिजनेस दोनों करना है मुझे। अभी बताइए। हाँ सर सर यहाँ उसके यहाँ पे आके रुकी है, ये आपको आंसर कर रही है कि आपको ये नहीं करना चाहिए अभी। अच्छा कैसे? मैं आपको आपको एग्जांपल देता हूँ, जो निर्णय है आप लेंगे अगर सही होगा ना तो आपकी सांस ऑटोमेटिकली डीप जाएगी, अंदर तक जाएगी। ओके अपने आप अंदर तक जाएगी, ये मैकेनिज्म है बॉडी का। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने आप को पूछिए, सांस अंदर लीजिए, देखिए कहां तक जाती है, बस आपको सही निर्णय आएगा। दूसरा, आपको जो विचार आता है ना, जो विचार आता है वो इंट्यूशन से आता है कि अलग आता है, वैसा प्रश्न किसी ने मोरना जी ने पूछा था। मैं आपको एक सिंपल टेक्निक दे देता हूं, जब भी कोई विचार आता है ना तो वो विचार जब हम सोचते हैं ना तो हमारे स्पेशल डायरेक्शन में होता है, यानी हम जब आंख बंद करके देखते हैं तो चीजें या तो मुझे यहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी, कहां दिखाई देगी। जो विचार हमारे मस्तिष्क के मध्य में से आएगा वो विचार कुदरत का संकेत। अब आपको इसको बदल, कैन यू रिपीट? हाँ हर्ष हर्ष जी एक सेकंड। अब इसको बदलने की भी प्रक्रिया, अगर ना आई तो क्या करना है? ना आई तो कुछ चीज है आपको अंदर से ऐसी बदलनी है कि जहां से आप अपना निर्णय सही तरीके से ले पाए, ये बदल जाए। ऐसा नहीं कि परमानेंटली ये है, अभी ना है। कुछ बदलाव के बाद जब आप पूछना चाहे, जब आपको अंदर से प्रेरणा हो तो पूछिए, आंसर मिलेगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कृष्ण आंसर नहीं देता है। तो ये दो टेक्निक मैंने आपको बताई। हाँ जी हर्ष जी बोलिए, सॉरी सर आपका वॉइस एक्चुअली बीच में ब्रेक हो गया था, कैन यू रिपीट द टेक्निक नंबर टू? आपको जो भी विचार आता है वो मस्तिष्क के मध्य में से आएगा तो वो कुदरत का संकेत है कि वो थॉट आपको इंट्यूशन से आ रहा है। तो ये पता कैसे चलेगा मस्तिष्क के मध्य से आ रहा है? बिकॉज यहाँ सेंटर ऑफ द बॉडी से आ रहा है, सेंटर ऑफ द बॉडी से। ओके
राइट लेफ्ट अगर आया ना, भी रिपीट कर दीजिए प्लीज सर, फर्स्ट वाला भी रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट वाला जब भी आपको कुछ भी पूछना है तो प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने में एकदम क्लैरिटी चाहिए, जैसे ही क्लैरिटी होगी आप वो प्रश्न पूछने के बाद सांस लीजिए और नॉर्मल सांस लीजिए, देखिए वो गहरी जाती है कि नहीं जाती है। अगर वो गहरी गई तो यस है और नहीं गई तो नो है। सर ये क्वेश्चन खुद के लिए हो सकता है या मतलब और किसी के लिए भी रख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे घर के मेंबर्स हैं उनके, आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, उसके लिए उनको करना पड़ेगा, आपको नहीं करना है। ओके सर, अभी मैं आप ट्रेन नहीं हुए हो कि दूसरे के लिए आंसर कर सको, ये एक बहुत लंबी ट्रेनिंग है। वंशी जी बोलिए। सर बट अगर हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न अगर हम नोटिस कर रहे हैं या मैं बिना क्वेश्चन पूछे अगर अपना ब्रीदिंग पैटर्न देख रही हूँ तो वो डायरेक्ट ही सेंटर ऑफ द हेड में जाने की बजाय मैं उसको डीपली इनहेल कर पा रही हूँ और एक्सहेल कर पा रही हूँ। वंशी आपका आपका जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग है आपके लिए, मैंने दो चीज अलग अलग बताई है, आपने दो चीज को कंबाइंड करके बात मुझे क्वेश्चन पूछा है। पहली बात, जो फर्स्ट टेक्निक है वो क्वेश्चन पूछने के बाद ब्रेथ लेने की टेक्निक है, द सेकंड टेक्निक है वो जब थॉट आता है अंदर से, विचार आता है तो वो वृत्ति से आता है, अपने मन से आता है, जब इच्छा जागृत होती है तो कौन है वो, कौन सा थॉट है, या आपका आपका मस्तिष्क यानी आपका ब्रेन थिंक कर रहा है, आपका आत्मा चाहता है। आत्मा जो चाहता है वो बहुत आसानी से होता है, जो आपकी बुद्धि चाहती है वहां आपको मुसीबत आती है, डिफिकल्टी आती है। आपकी बुद्धि को आत्मा के हिसाब से चलाना है वो बुद्धि का काम है, आप बुद्धि के हिसाब से आत्मा को चलाने की कोशिश करते। ओके सर, गॉट इट। अगर ये प्रिंसिपल अगर आप समझ गए ना तो बाकी सारी टेक्निक के अंदर अटकने की जरूरत नहीं है। Waves and waves of thoughts, desires will keep on coming to you and all are potential. But potentiality को possibility में बदलने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए, तो यही कहा मैंने, सिर्फ आत्मा के ऊपर सरेंडर करो। और दो तीन टेक्निक मैं आपको अभी देता हूं जहां कृष्ण को आप कैसे कर सकते हो। और जो मैंने आपको दो गिफ्ट का कमिटमेंट दिया है वो गिफ्ट आपको कल सुबह 11 और 12 के बीच में आपके ईमेल पे आपको मिलेगा। वो गिफ्ट क्या है वो समझा देता हूं। एक है कृष्ण कनेक्शन करके एल्बम है, ऑलमोस्ट 8 से 10 ऑडियोज रहेंगे उसके अंदर। ये ऑडियोज आपको कृष्ण के प्रति एक भाव को जगाने के लिए, यानी आपका जो भाव जगत है, भाव जगत को हम क्या समझते हैं। आप कुछ लोग मुझे लगता है कि ट्रेनिंग फील्ड से हो, ऑकल्ट से हो, हीलिंग से हो, या जो भी फील्ड से हो, भाव को जगाने का, अगर आप आपके भाव जो, अगर आप अभी जाएंगे मथुरा में, गोकुल में, तो लोगों के भाव इतने हाई होते हैं। आप इस्कॉन में जाइए, आप फॉरेन में जाइए, जो कृष्णा को मानते नहीं है, जानते नहीं है, वो अचानक से क्यों कृष्णमय हो जाते हैं। वो आपके भाव को कंटिन्यूअसली आपको जगाना है, दैट इज यू आर एक्टिवेटिंग योर एस्ट्रल बॉडी। ये विज्ञान है, ये लोग हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि भाव को जगाने से एस्ट्रल बॉडी जागृत होती है, और जब आप फिजिकल बॉडी से नहीं एस्ट्रल बॉडी से काम करते हो तो बहुत सारे काम कर सकते हो, और सही गलत की पहचान एस्ट्रल बॉडी में आपको पता चल जाता है। कि मैं ये मणि गुरु राजशेखर के साथ काम करूं कि नहीं करूं, तो मेरी एस्ट्रल बॉडी जाके देख करके उसकी एस्ट्रल बॉडी से मिलके मुझे बता देती है और सारी सिचुएशन क्रिएट कर देती है, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि अगर मेरे फायदे में नहीं है तो मैं उसके साथ काम ही नहीं करता हूं। ये चार्ज करने के लिए आपके भाव को आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो कृष्ण को मिलने के लिए आपको अपने भाव को जगाना चाहिए। ये इसका इसका सही, आज के जमाने में हमको जो बुद्धि से चल रहे हैं
उसके लिए लॉजिक चाहिए, तो ये लॉजिक है। और दूसरा मैंने दिया है कृष्ण डार्कनेस टू लाइट, वो 10 ऑडियो है। उस 10 ऑडियो में ये मेरा बेसिक, पहले ऑडियो में भी ये है कि डायरेक्ट आपके अनकॉन्शियस से काम करता है वो ऑडियो। आपको सुनने हैं तो कुछ करने के टाइम नहीं सुनने हैं आपको, जब आप कुछ निवृत्त हो, कंप्लीटली बैठे हो, तभी ये काम करना है, सुनना है। दूसरा जो ऑडियो है वो ऑडियो आपको गीता का जो ज्ञान है, हम क्यों ट्रांसलेट नहीं कर पाए लाइफ में, क्यों समझ नहीं पाए, क्यों इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। बोलने में बहुत अच्छा है, अगर आप गीता पे बहुत अच्छा, लोग बोल जाते हैं, कुछ लोग जी भी जाते हैं, ऐसा नहीं कहता हूं नहीं जाए, बहुत सारे लोग गीता जिए हैं, मैं उनको अनदेखा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान गीता को पूरी तरह से क्यों मुश्किल में पड़ जाता है, समझ नहीं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है, उसकी गहराई को नहीं समझ पाता। तो उसके लिए मैंने ये 10 ऑडियोज दिए हैं, जहां आपको सिर्फ सुनना है, सीधा आपके अनकॉन्शियस में जाएगा और कहीं ना कहीं जाके आपके वर्तन में वो ट्रांसलेट हो जाएगा। ये मेरा पर्पज है, ये 2 चीज मैं आपको दे रहा हूं, और आज अभी कुछ टेक्निक्स दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले और कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, हमारे पास समय है अभी। जी यस रफीक जी। हाँ, तो आपने कहा कि यू नो कोई थॉट जो अंदर से आता है, मतलब हमारे सेंटर इधर मस्तिष्क से, सो दैट मींस कि वो दैट इज अ राइट थिंग टू बी डन, राइट? लेकिन सब उसका कन्वर्स कर सकते हैं, सपोज कि वो नहीं आ रहा है, कि हम उसको अंदर ऐसे कुछ, वी कैन फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियर कट एग्जांपल के समझाता हूं। मैं यहां से निकला, मुझे जाना है कल दिल्ली, मैं फ्लाइट पकड़ने वाला हूं, मैं घर से निकल रहा हूं, मैं आंख बंद करके, मुझे पता है कि मुझे फ्लाइट पकड़ने के लिए 2-3 घंटे पहले पहुंचना है, 3 घंटे पहले मैंने टैक्सी ले ली, मैं टैक्सी में बैठा हूं, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, अचानक से एक फ्लैश मेरे दिमाग में आता है। अब ये जो फ्लैश आता है वो कहता है कि ये रास्ता सही नहीं है, है ना, इस तरह से जब वो आ जाता है उसे बुलाना नहीं पड़ता है ना, विचार आते हैं तो 2 जगह से विचार आ सकते हैं, वो ऐसा कोई भी विचार हो 2 जगह से आता है, एक तुम्हारी मेमोरी और पास्ट एक्सपीरियंस से आता है और एक इंट्यूशन से आता है। जो इंट्यूशन से आएगा ना उस समय पे विचार, वो आपके अंदर से आएगा, और जो आपकी मेमोरी और एक्सपीरियंस से आएगा ना वो आपके स्पेशल में आएगा, आपके मस्तिष्क के आसपास से आएगा। ये एक सिंपल लॉजिक है, अगर वो विचार आया तो उस विचार पे मैं इंप्लीमेंट करूं कि नहीं, वो भी अगर पूछना है तो अपने सांसों से एक रीचेक कर सकते हो आप। एक सिंपल सी बात, मैं अपने कोई भी निर्णय लेता हूं तब मैं यहां से सोच के नहीं लेता, मुझे अगर अभी ऐसा संकेत आएगा ना तो मैं इसी समय इसको बंद करके निकल जाऊंगा। ये कैपेसिटी होनी चाहिए आप लोगों में, जब अंदर से आवाज आती है ना तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट करने की, फिर सोचते हैं कि नहीं इतने लोग बैठे हैं क्या होगा, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो सोचते नहीं बैठना है उनको, कैसे हम बिना हर्ट किए 2 मिनट के अंदर अपनी बात को, अगर मैं सच्चाई से अपनी बात रखता हूं तो आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, आप मुझे अकोमोडेट करेंगे और मैं निकल जाऊंगा। इसी तरह से आपको कृष्ण को रथ चलाने दे देना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो काफी टाइम से दिमाग में आता रहता है कि ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था जी, ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए हुआ था कि क्योंकि इसमें कुछ तो रहा नहीं, बाद में कुछ नहीं बचा जिसके कारण हुआ, बदला लिया गया, जो कुछ भी हुआ, मतलब इसका एंड हो गया, सब चले गए, 6 लोग बचे, 11
हाँ सर, तो सर इसका थोड़ा क्लियर करिए, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत कारण क्या था? है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बार कभी भी है ना कोई भी रामायण उठा के, गीता प्रेस से कोई भी एक महाभारत उठा के मंगा के पढ़ लीजिए, एक बहुत सिंपल सी बात है इसमें। मैं आपको आज के संदर्भ में वो उसका संदर्भ बता, आज की तारीख में उसका संदर्भ बता रहा हूं। मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछता हूं, महाभारत में दुर्योधन से लेके जैसे जैसे समय पे जिन जिन लोगों ने जिस तरह से बिहेव किया और जो भी भाव वहां पे व्यक्त हुए हैं, क्या पूरी मनुष्य जाति इस वक्त पे इस समय पे वो ही भाव नहीं जी रही है? 5000 साल बीतने के बाद भी आज हम वो ही महाभारत जी रहे हैं, कैसे, क्यों? और यही मेरा आपसे झंझोड़ के उठाने का प्रश्न है। अगर हम नहीं सुधरे तो अभी जो चेंज आने वाला है जगत में अगले 10 सालों में, ये ऑडियो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और मैं बोल रहा हूं, आप 10 साल में जो परिवर्तन होने वाला है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं उसको जगाने के लिए आपको आया हूं। आपने कोविड देखा है, कोविड कुछ भी नहीं है यहां पे, कोई मैं भय का माहौल नहीं फैला रहा हूं। इससे बचने का दूसरा एक रास्ता है कि हमारा जो सोल है ना, हमारी आत्मा है, उसे हम आत्मा को आगे ही नहीं आने देते। पहली बात, हम बुद्धि को ही चलते, यही पे यही अर्जुन अपना रथ चला रहा है, कभी भी कृष्ण नहीं आगे आता। और आत्मा जो लेवल पे, अभी अगर मनुष्य 5000 साल से बदला ही नहीं है तो क्या होगा, बताइए मुझे। उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा और वो ही बदलने वाले हैं। कौन? मैं नहीं, शक्तियां बदलने वाली है। और वो शक्ति जो बोल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्टरनेट नहीं है कि आप वही वही नेगेटिविटी, वही ईर्ष्या। और आज की तारीख में देखिए कि जोर शोर से चल रहा है। आज सत्य क्या है और झूठ क्या है हमें पता ही नहीं है, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं। झूठ सत्य लगने लगता है, सत्य झूठ होने लगता है। वही बात मैंने आपसे पहले पूछी थी कि कृष्ण आएगा तो आप क्या करेंगे? अगर कृष्ण अच्छी तरह से कपड़े पहन के आया तो आप कहेंगे कि आपने अच्छा गेटअप किया है, वो सत्य तो आपको झूठ लगेगा। और वो सादे कपड़े में आएगा तो वो भी आप मान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने एक फ्रेम बना लिया है दिमाग में। आई होप मोनिका जी मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। यस सर। सिर्फ एक सवाल है। बोलिए अर्शी। सपोज इंट्यूशन से, मतलब इंट्यूशन से आप काम करने लग जाते हो, पर कब जाके वापस बुद्धि का प्रयोग शुरू हो जाता है, वो डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप पहले ही इंटेंशन देंगे, डिफिकल्ट होगा तो होगा ही। आप ऑलरेडी कमांड दे चुके हो, ये पूरा यूनिवर्स आपके कमांड पे चलता है भैया। आपने ऑलरेडी कमांड क्रिएट कर दिया, आपने वो क्रिएशन कर दिया कि डिफिकल्ट हो जाता है, मींस वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इस बात को थोड़ा भी समझना है, अगर आप विषय को उठ के समझने के तैयार हो, तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और ब्रो पिक्चर देखिए, और आप ये करिए, आप ONG 2 देखिए। ONG 2 फॉर द सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट आपको अगर नहीं जमता है तो ठीक है, लेकिन प्रोटेगनिस्ट और वो शिवा के दरमियान जो बातचीत होती है ना, उसको आप समझिए, हाउ सिचुएशन चेंजेस, तब आपको समझ में आएगा कि उसको सरेंडर करके कैसे जिया जाता है और हम अपने बिलीफ से और अपने एक्सपीरियंसेस से मेमोरी में कैसे अटक जाते हैं। तो कोई सरल मार्ग नहीं है ना अटकने के लिए? इससे सरल मार्ग और हो ही नहीं सकता है। ओके। यस सर, अपनी चाटू। कोई पूछना चाहता है कुछ?
कि मैं और कुछ टेक्निक्स आपको दे दूं? सर ये ग्रुप में आएंगी ऑडियंस वगैरह या मेल पर आएंगी? मेल पर आएगी। और जो जिसने अटेंड किया है वो उनको आएगी। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ प्लीज पूछिए। कौन पूछ? सर ये क्लासेस हमारी रेगुलर चलेगी आपसे? आप मेरे आपने मेरे मोरना जी आपने अगर यहाँ मेरी वेबसाइट से मैंने अगर खाया आप ये बंद करेंगे चटबट कुमार प्लीज आप म्यूट करेंगे अपने आप को। मोरना जी आपने जैसे ही ये रजिस्टर किया है आपका ईमेल आईडी मेरे पास है तो मेरे आने वाले हर प्रोग्राम की डिटेल्स आने के लिए सर आप ही म्यूट कर दीजिए वहां से सबको। कितनी बार कर रहा हूँ वो बार बार अनम्यूट कर रहा है। कोई बच्चा है किसी के साथ वो बच्चा है जो बार बार अनम्यूट करके अपनी बातें बोल रहा है। कोई बात नहीं आगे बढ़िए। सर मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत साल पहले। मैं कोई टॉयज लाई थी बच्चे का वो चार्ट बनाना था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था और मैंने सारा घर देखा तो तब उस वक्त मेरे को एक थॉट आई कि ये खिलौना मैं खुद लेकर आई थी और मुझे मिल नहीं रहा और भगवान जी आपको तो हमने देखा नहीं तो आप हमें कैसे मिल सकते कैसे यकीन करें? तो सर आप बिलीव नहीं करेंगे उस वक्त मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति थी या क्या था मुझे जस्ट खींचा और मेरा हाथ मतलब वहां उसी जगह ले गए जहाँ पे वो खिलौना पड़ा था। Exactly. ये हर बार हो सकता है हर काम के लिए हो सकता है हर चीज के लिए हो सकता है। मोरना जी आप प्रश्न पूछे उसकी जिम्मेदारी है आपको आंसर करने की। सर ये सब सुप्त चेतनाएं हमारे अंदर जो हम लेकर घूम रहे हैं तो ये सब हमें हम लोगों को जागृत करनी है ना। कुछ सुसुप्त नहीं है पहली बार कौन पूछ रहा है सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ उसको रिमूव कर दिया आगे बोलिए सॉरी पूछिए। हेलो कौन पूछना चाहता है? सर मैं मोनिका सक्सेना। मोनिका जी अपने प्रश्न को दोहराइए प्लीज। मेरा सर प्रश्न ये था जैसे अभी हम लोग जो जन्म ले रहे हैं हमारी जो पास्ट की एनर्जीज हैं तो मतलब जैसे हमारा जो ज्ञान है पिछला अभी हम ले रहे हैं नया तो ये सुप्त ज्ञान माना जाएगा ना। पिछला ज्ञान जो है अभी मतलब जो पहले की हमारी मेमोरी में फीड है तो सुप्त चेतना में नहीं आएगा वो ज्ञान। आप है ना ये सब कंफ्यूजन कर दीजिए। मैं आपको एक सिंपल बात कह देता हूँ आपको एकदम समझ आ जाएगा। बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपने अगर आत्मा को एक्सेस कर लिया ना तो आत्मा के पास सारा ज्ञान है। आत्मा परमात्मा का अंश है आत्मा को सब पता है अगला पिछला आगे आने वाला जो भी कुछ है वो सब आत्मा को पता है। सर ये आत्मा तो न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए आती है ना अभी जो हमने एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं। मोनिका जी एक सेकंड पहले आपने मेरा जवाब ही नहीं सुना है। आपने जवाब उतारा ही नहीं है आपने सीधा सवाल दूसरा कर दिया उसमें मेरा जवाब अंदर जा ही नहीं सका आपके अंदर। आप अपना अपना ज्ञान जो भी है उसको दो सेकंड बाजू पे रखिए पहले मेरी बात को अंदर उतरने दीजिए फिर सवाल पूछिए मैं जवाब देता हूं। मैं रिपीट करता हूं आपके लिए आत्मा को सब पता है हम आत्मा को आगे आने नहीं देते हम अपनी बुद्धि से सब कुछ चला रहे हैं। आत्मा आपके पीछे बैठा है उसी तरह से जैसे रथ में आगे अर्जुन बैठा है पीछे कृष्ण बैठे जी। बहुत सरल बात है देखा, देखा देखा। अभी पूछिए आपका नेक्स्ट सवाल। सर यही था मेरा क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउट था कि
मतलब हम लोग जब ज्ञान है आत्मा का, तो आत्मा को सब ज्ञान है, फिर हम लोग इस समय जब धरती पर आए हैं तो हमारा फिर ज्ञान ही है, हम लोग फिर क्यों भटक रहे हैं? ज्ञान है, उसे एक्सेस नहीं करते हैं तो भटकेंगे ही ना जी। ये भटक रहे हैं वो भी, मुझे मुझे ये बात, ये मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता हूं भटकना, मैं ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर, मैं ये कहता ही नहीं आप लोगों सब भटक रहे हो, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है। आप अगर सही राह पे नहीं होते तो हम और मैं आप बात ही नहीं करते होते। तो मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं, कोई भी आत्मा के लिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वो भटक रहा है। उसका टास्क ही यही है कि उसको आगे जाके अपना काम करना है, और हमें ये सीखना है कि उसको आगे जाके अपना काम कैसे करने दे, बस इतनी सी बात है। और जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ना, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका डेप्थ नहीं देखते हैं। हमने सब ज्ञान पिकअप किया हुआ है, रास्ते में जो मिला उसको उठा के अपनी बोरी में डाल के लेके आए घर पे, ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। डायरेक्ट सही ज्ञान उसी से आता है, आत्मा से आता है, रास्ता ही सही रास्ता। आप जो भी पूछो, मैं तो ये नहीं बोलता हूं कुछ करने की जरूरत है, आपको वापस बोल देता हूं, आपकी आत्मा हर चीज का आंसर करेगी, ये गारंटी लिख लो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिस्टम है, आप उस सिस्टम का उपयोग नहीं करते हो, बस इतना मैं उपयोग कैसे करने का वो बता रहा हूं। ये आज की दूसरी नई प्रॉब्लम है, मेरे पास आओ मैं ही बताता हूं, मेरे पास ज्ञान है, मैं वो ज्ञान सिखाऊंगा, मैं ही जानता हूं वो ज्ञान, सॉरी ये भी गलत है पूरी तरह से। जो आदमी आज, जो भी कोई व्यक्ति आपको अगर बांध के रखने में, रखने को, रखने की बात करता है, वो सही नहीं है। आप मुक्त हो, आप फ्रीडम है आपको, आप वो फ्रीडम का एक्सपीरियंस करो, उसी के लिए हम फ्रीडम, हम अपनी सब फ्रीडम दूसरे को दे देते हैं, दूसरे के विचार को देते हैं, दूसरे की शक्ति को देते हैं। क्यों? आपके पास वो सारी शक्ति है उठा उठा के दूसरे को देने की, एवरीथिंग इज विद इन यू। आपको ये बात मैं अपने अपने कोई ज्ञान से नहीं बता, ये बात गीता में कही है। हमने गीता को पूरी तरह से पढ़ा ही नहीं है। हेलो, यस विजय जी, बोलिए। सर प्रणाम। प्रणाम। आत्मा, आत्मा को एक्सेस किस प्रकार से करें कि जो आत्मा हमको सही रिप्लाई दे सके और हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें? बहुत सही क्वेश्चन है। आत्मा को एक्सेस कैसे दे? आत्मा तो हमेशा एक्सेस लेने को तैयार है। आप अपनी बुद्धि को बंद कर दीजिए, फिर आत्मा अपने एक्सेस लेने की। जब आप देखो, दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बाजू पे बैठा देंगे तो दूसरी टेक ओवर करेगी जी। आप ड्राइवर है, जब हम बाहर जाते हैं लंबे प्रवास में जाते हैं तो ड्राइवर कैसे बदली करते हैं? बस ऐसा ही सिंपल सा काम है, यानी अपने विचारों को बाजू पे रखिए, बोले अब तू बता क्या करना है। अपने आप से बात करो ना, अपने दुनिया से कहीं नहीं, अपने खुद से बात करो, क्योंकि आत्मा किधर है? आपके अंदर है ना, बाहर नहीं है कहीं, आपके अंदर से बोल रही है, आपको माध्यम बना के बोल रही है, आप ही को बता रही है, ठीक है? और किसी को बताएगी, मुझे बताएगी आपके बारे में और आपको नहीं बताएगी, ऐसा कैसे हो सकता है भैया? पहले आपको बताएगी। इतना डिपेंडेंट बना दिया ना हमको, इतना डिपेंडेंट बना दिया ना हर सिस्टम के अंदर, कि हम ऐसी कैद में बंधे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि वो कैद कैसे कैद में है, वो भी जानकारी नहीं है। ये सबसे सबसे बड़ी बात। हरे कृष्ण। आत्मा तो बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि आत्मा तो सेम बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि इस बार हमको नहीं दिखाई देते वैसे ही ना आत्मा दिखाई देती है, ना आत्मा की आवाज सुनाई देती है।
आप बोल रहे हो आत्मा ही आपकी विनय भाई, आप बोली नहीं, आपको ये ताकत कहां से आती है बोलने की, आप सोचने की ताकत आती कहां से? मैं आपके आत्मा को सुन रहा हूं इस वक्त, विनय भैया को नहीं सुन रहा हूं जी। आपको माध्यम बना के बोल रही है, उसके पास अपनी आवाज नहीं है जी। आप जब बोलते हो तो आप आत्मा ही हो जी। ये बात पहले मान लो ना, उस जैसे ही मानना शुरू करेंगे ना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सिंपल एकदम, बहुत जरा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। आप मानने लगो, आप बोल रहे हो, कौन बोल रहा है, ये विचार किस कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है आपको, आपको ये प्रश्न भी निर्माण वो करता है, आपको जवाब भी वो देता है, आपको रास्ता भी वो दिखाता है, आपका रास्ता अटकाता भी वो ही है। अगर आप गलत जगह पे जाएंगे तो अटकाएगा नहीं सर, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी आत्मा को अफर्मेशन कर रहे हैं। अफर्मेशन कर रहे हैं मतलब क्या मैडम जी? मतलब कि हम उसी को ही सारी कमांड कर रहे हैं, लाइक आत्मा कमांड कर रहा है, प्लीज वी हैव नॉट कमांडिंग, हमें आत्मा कमांड कर रहा है, हम उसके कमांड के बदले हम अपने विचार, अपने ब्रेन के कमांड को सुनते हैं, दैट्स द डिफरेंस। जैसे अभी आपने एक बोला कि अपनी एक कोई भी विश की सोच, तो जैसे मैंने सोचा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक स्कूल खड़ा करूँ, तो मैंने उसके बारे में सोचा, तो वो मैं अपनी आत्मा से मैं सोच रही हूँ या अपने दिमाग से सोच रही हूँ, वो क्या है वो चीज? पहली बात एकदम सिंपल, आपको जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वो आपके विचार नहीं होते हैं, वो गहराई में आपको विचार दिए जाते हैं, ठीक है, सही गलत अच्छा बुरा वो लेबल हम बाद में लगाते हैं, आपके विचार का उद्भव स्थान ही आपकी आत्मा से आता है, ठीक है, पहली बात तो इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये एकदम छोटी सी बात है, इसके लिए थोड़ा सा आपको आत्मा को भी समझना पड़ेगा ना। जहां कृष्ण ने बोला है कि आत्मा क्या है, आत्मा है जिसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, गला नहीं सकते जी, एकदम सिंपल बात है, लेकिन मुझे बताइए कि ये कौन बता सकता है कि आत्मा क्या है, क्या नहीं है? कृष्ण ने बताया है, क्या है वो कहां बताया है? नहीं बताया ना, तो वो कौन सी चीज है? आपको मैं सिंप्लीफाई करके देता हूं, कौन सी चीज हम किसको काट सकते हैं, मार सकते हैं, जला सकते हैं, गला सकते हैं, पांच तत्वों को गाट काल सकते हैं, मार सकते हैं, जला सकते हैं, तो आत्मा सीधी बात है पांच तत्वों के बाहर की चीज है, और हमारा जो सिस्टम बना है वो पांच तत्वों को ग्रहण करने का बना है, तो आत्मा ये शक्ति से बाहर है जो आपको ऑपरेट कर रही है, आपको विचार भी वही देता है, आपको स्कूल बनाने का अगर विचार आया है अगर, तो इसे थोड़ा सा समझे कि जहां आपने समझ लिया रोहतक SMM स्कूल, आपका जो भी नाम है बहन जी, तरुणा जी जी, तरुणा जी आपका आत्मा अभी इस वक्त पे मेरे साथ बात कर रहा है, हम दोनों संवाद कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ही इस पृथ्वी पे ही आपका आत्मा नहीं है, और कोई जगत में भी आत्मा इसी वक्त पे ऑपरेट कर रहा है जिसे पैरेलल रियलिटी कहते हैं, उसी वक्त पे ये आत्मा मल्टी डायमेंशनल भी है, उसी वक्त पे ये आत्मा मल्टीवर्सिस में भी है, तो इतना कॉम्प्लेक्स है जो पूरा उसका एक अंश आप अभी बात कर रहे हो, तो वो विचार को समझने के लिए ये सारे डायमेंशंस को भी आपको समझ में आना चाहिए ना, ये अनुभव होने चाहिए, समझ नहीं, अनुभव होने चाहिए। तो आप इस वक्त पे इतना मान लीजिए कि आपकी आत्मा ही आपको गाइड कर रही है हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, लेकिन उसको ओवरराइड आपके थॉट्स कर देते, वो भी आपको दिए गए हैं, वापिस मैं कहता हूं कि वहां पे आपको नियंत्रण करके अपने आत्मा की सुनने की शुरुआत कैसे करनी है और आत्मा को कैसे सुनना है, उसको प्राधान्य देना है, उसको रथ पे बिठाना है, कृष्ण को रथ पे बिठाना है और अर्जुन को पीछे बिठाना है, अर्जुन लड़ेगा, आपको ये जीवन का संग्राम लड़ना पड़ेगा, mm-hmm.
दैट्स इट। सर मेरा एक क्वेश्चन और है जी, बोलिए। कि आत्मा अजर है अमर है जी, गीता में भी बताया गया है, सभी जानते हैं, सबने पढ़ा भी है जी, और क्या आत्मा का स्वरूप भी चेंज होता है? क्योंकि आत्मा कोई भी स्वरूप, आत्मा का स्वरूप चेंज होता है, उसका अर्थ क्या है? देखिए उसका सर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूरा कर लूं अपना, क्योंकि मनुष्य का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। हम कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, अगर जब इतने व्यक्तियों का जन्म हो रहा है, आत्मा अजर अमर है, तो कितनी अनगिनत आत्माएं हो गई होंगी असंख्य है, कि उनकी गिनती ही नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु तो है नहीं आत्मा की। मनुष्य जन्म ले रहा है तो एक नई आत्मा आ ही रही है। विनय जी, यहां मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं जी। आपने प्रश्न बहुत अच्छा निर्माण किया है, ठीक है ना जी, जी। आत्मा अनंत है, उसके दो अर्थ होते हैं, अनंत आत्माएं भी है। दूसरा यह अर्थ होता है कि मैं अभी साइंटिफिक वे में बात करूंगा, है ना, ये श्रद्धा की और इसकी बात नहीं करता हूं। इस समय पे लेकिन 1980 के बाद की परिस्थिति बता रहा हूं, और अभी का जो समय आया है 1980 से परिस्थिति में बहुत चेंज आया, बदलाव आया है जी। उसके बाद के समय में जब 750 करोड़ लोग जब इस पृथ्वी पे है, इसका अर्थ ये है कि एक मैक्सिमम ऑफ एक लेवल तक सेचुरेशन पहुंच चुका है। तो एक कमांड है यूनिवर्स का कि सारी की सारी आत्मा इसी वक्त उतर के नीचे आ गई है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन उठता है कि अनलिमिटेड आत्मा कैसे आ सकती है। तो आत्मा को मुझे उसको सब्सटेंस समझाना पड़ेगा कि 5 तत्वों की नहीं है, तो ऐसा क्या है जिसे काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, क्या है ऐसा? ऐसा कोई तत्व आपके दिमाग में आता है? ऐसा क्या तत्व हो सकता है जो 5 तत्वों का नहीं, जो तत्व से पृथ्वी बनी है, तत्व से वो तत्व नहीं? पारा नहीं, पारा नहीं, पारा तो यहां का तत्व है। तो एक ही तत्व है, वो लाइट है, प्रकाश। जय श्री कृष्ण, बोलिए जी। जय श्री कृष्ण, यह कॉन्शियसनेस है जी, बोलिए जी। ये आत्मा है जो भी है, कॉन्शियसनेस है, ये चेतना, चेतना कहता है वो भी आत्मा है। आत्मा का आयतन है, एक बालों से 10,000 भागों से एक भाग है, जो आंखें से नहीं देख सकती हूँ जी, केवल अनुभव करने के जरूरत जी। हाँ, और भगवान सो भगवान कहाँ है, सेकंड चैप्टर में 13 श्लोक से, देहिन हस्मिन जथा देहे कौमारंग जौवनंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति न मुज्योति, मैंने आत्मा सदा परिवर्तन हो चुके है, वो परिवर्तन कैसे हो चुके है, ने ग्रीष्म शीत ऋतु जैसे जैसे आ गई है उनके पास परिवर्तन है। और 20 श्लोक इस अध्याय से 20 श्लोक से कहता है, न जायते मियते बा कदाचनो नायं भूतबा भूवित ना भो अज नित्यो शाश्वत हयं पुराणो न हन्नते हन्ने मानव शरीरे, माने हमारा शरीर परिवर्तन सदा परिवर्तन हो चुकी है, कभी कभी आत्मा को भी नहीं परिवर्तन हो चुकी है, आत्मा चिरनवीन है, न्यू है। तो 23 श्लोक से 22-23 श्लोक से कहा है, जो बासांसी जीर्णानी है जो था विहाय, मैंने पुरानो जमा फेले दी, हमारा जो नूतन जमा पढ़ने पढ़ती हो पढ़ने के पास है, तो ऐसे भी आत्मा पुरानो देह शरीर का त्याग करके नूतन न्यू शरीर लाभ करती हो है। परे श्लोक से कहा है, जो आत्मा से कोई आगुन से उड़ाने नहीं सकती हो, जल से कोई पानी से कोई भीच नहीं सकती हो, हवा से कोई नहीं सूखती है, ये भी आत्मा है जो है
केवल सब लोग अनुभव करती है। ये भगवान का देह निर्गत रश्मि छोटा है, किरण है, ये भी अग्री बहुत सही बोले आपने, आपने म्यूट कर दिया है गोविंद दास जी, आपने म्यूट कर दिया है। तो हमारा हमारा मादर टंग बंगाली है, हम थोड़ा थोड़ा हिंदी समझने हैं। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हम थोड़ा थोड़ा है। चलेगा, आप हिंदी में बताइए आपका प्रश्न है कुछ। आपने जो बोला वो सही है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस आत्मा के साथ हम क्या कर सकते हैं। आप आत्मा को आगे करके जी सकते हो, जरूर जी सकते हो। आप कृष्ण को अनुभव कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। आप भगवानों को अनुभव कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया आपको सब अनुभव आ जाएंगे। क्या ये आप संभव है? यस ये संभव है। क्या मैं ये करवा सकता हूं? हाँ मैं करवा सकता हूं। क्यों करवा सकता हूं? जब मैंने कहा था मेरा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया है, मैंने 20 साल तपस्या की है मेरे गुरु के मार्गदर्शन में, ये सब कुछ, ये जानकारी कभी मुझे गुरु ने नहीं दी, ये सब कुछ मैंने अपने बल अपने प्रश्न पूछ पूछ के ये ढूंढा है। और ये विचार भी जब आते हैं मैं बैठता हूं, जो विचार आते हैं उसको पकड़ के चलता हूं, जो भी आता है वो करते जाता हूं। एक शक्ति दी है जो, जैसे आप जो रूम में बैठे हो, रूम के बियॉन्ड भी एक जगत है, ऐसे जो विजिबल यूनिवर्स दिख रहा है उसके बाहर का भी एक जगत है, वहां भी एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर की पराकाष्ठा तक मेरे गुरु मुझे लेके गए हैं, हाथ पकड़ के लेके गए। इसलिए कुछ ऐसी विशेष चीजें मैं कर सकता हूं जो आज तक किसी ने की नहीं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। असामान्य चीजें कर सकता हूं, तो अब उसकी बात नहीं करते हैं। दो चीज है, एक मैं कार्यक्रमों के माध्यम से देता हूं लोगों को, लेकिन यहां मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं कुछ बताने आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं यहां पे। तो क्योंकि ये प्रश्न उठता है मैं बताता हूं कि ये मैं अपने वेबसाइट पे रहिए, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, इसकी जानकारी मैं यहां ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन इस शक्ति को आपके अंदर, कृष्ण शक्ति को एक्टिवेट कर सकता हूं। आप इस कृष्ण शक्ति के आधार पर जी सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं भी करते हो तो आप जी सकने चाहिए, ये इच्छा रखता हूं। और उसके लिए दो, मैंने जो प्रॉमिस किया है वो दोनों चीज दे रहा हूं। तो पहले तो गीता में कृष्ण ने जो कहा था उस बात को अनुभव करवाना, और वो है कि ओम में मैं हूं। तो ओम में भी कृष्ण है, और वो ओम का अनुभव, वो कृष्ण का अनुभव आपको आज इस जन्माष्टमी के उत्सव पे करवा रहा हूं। और ये कुछ भी, ये जो शरीर में बैठा है वो नहीं कर रहा है, ये जो बोल रहा है ना, मेरे पास कोई नोट्स है ना कुछ है। भगवान से आप ये कहा है 18 चैप्टर से 66 श्लोक से कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। बोलते सब कुछ धर्म आप परित्याग करके हमारा चरण से आप आत्मसमर्पण करो, आपका कोई नहीं चिंता टेंशन कोई का भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये करना कैसे है प्रभु जी? शरण किसकी जाना है? वो जो बाहर मूर्ति है उसकी शरण जाना है? तो मैं जा रहा हूं फिर भी मुझे कठिनाई क्यों होती है? शरण किसकी जाना है? मेरे सर्व धर्म को त्याग करके, मेरा धर्म क्या है पहले वो धर्म का त्याग करूं ना। अर्जुन का धर्म क्या था? अर्जुन का धर्म है क्षत्रिय है। दो सेकंड गोविंद दास जी, दो सेकंड रुकिए। अर्जुन ने अपना धर्म को त्याग किया, इतना आर्ग्यूमेंट दोनों के बीच में, इतने प्रश्न आंसर हुए, फिर भी अर्जुन नहीं समझ पा रहा था। तो क्या आप समझ पाएंगे गीता को? दो सेकंड भैया। और ये रूप दिखाना पड़ा कृष्ण को। अब मैं सीधा सीधा आपको अनुभव करवा रहा हूं, सीधा अनुभव। अब वो कैसे अनुभव होगा आप देखते जाइए।
ऐसे कृष्ण जो आपने सोचे हैं वो उसमें नहीं आने वाले, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, कृष्ण आपके अंदर है। अब जो होगा वो ओम का ध्यान होगा, मैं ओम का उच्चारण करूंगा, आप उसे सिर्फ आंख बंद करके सुनेंगे, उसके बाद हम कृष्ण को बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे वो देख लीजिए, आपके मेरे दोनों चीज एक साथ चली। ओम के बाद, क्योंकि ओम भी कृष्ण है और कृष्ण शब्द में कितनी ताकत है उसका अनुभूति अनुभव आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने शब्द की ताकत को पहचाना नहीं है, जाना नहीं है, अनुभव नहीं किया है। ये सब थियोरेटिकल बातें हैं, अच्छी है, लेकिन आपके फिल्टर्स बहुत ज्यादा हैं, उसको फिल्टर्स को हटा के कुछ अनुभव देना है मुझे। हर दिन को जो व्यक्ति हर दिन को चैंट बी होली नेम एंड बी हैप्पी, आपका प्रश्न है ये? नहीं, जो व्यक्ति जो आदमी है हर दिन का चैंट बी होली नेम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये महामंत्र होली नेम चैंट करके उनका हर दिन चैंट करके वो तो भगवान को अनुभव कर सकती हूँ। देखते हैं, we will now start the वंशी जी, दो मिनट रुकिए आप, वंशी जी आपको विनती है, दो मिनट रुकिए, कोई भी अभी बोलेगा नहीं, मैं अभी आपको एनर्जी ट्यून करके डायरेक्टली एनर्जी एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना? अब हम सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, we are going to experience a wonderful meditation, so we will talk after this, because abhi ek special timing hai, this is a very wonderful timing where he is going to channel the energies from the beyond and you will experience Krishna here, and then you can invoke Krishna to be your sarathi. So let's begin the meditation. Aankhe band, dhyan saanson pe, jo bhi vichar aate hain aane dijiye, koi mute kar de apne aap ko. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आंखें बंद, सांसें बाहर आने दो, अंदर जाने दो, देखते रहिए, सांसों के अंदर और बाहर जाने में तीन प्रक्रिया घटित होती है। पहली, सांसें जब अंदर जाती है तो उसकी उष्णता कितनी होती है, और बाहर निकलती है तो उष्णता में कितना परिवर्तन होता है, उसकी तरफ ध्यान लगा। जस्ट पे फोकस एंड अटेंशन ऑन दी temperature of the breath. Secondly, focus on the depth of the breath. उसकी गहराई देखिए, खाली कुछ करना नहीं है आपको, जितने विचार आते हैं जो भी कुछ होता है उसे होने दीजिए, कोई बदलाव कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है। तीसरा, एक सांस लेते हो और छोड़ते हो, उसके उसका समय अवधि क्या है, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ वन ब्रेथ दैट यू टेक एंड वन व्हेन यू कंप्लीट इट। ऐसे होता है जब सांस अंदर लो, अंदर से बाहर निकालो, बाहर से वापस दूसरी सांस लो, वो एक सांस हुई, उसका टाइमिंग कितना है उसे नोट कीजिए, खाली नोट कीजिए। अब हम ओम का उच्चारण करने जा रहे हैं, ध्यान पूरी तरह से मेरी आवाज पे लगेगा। ओ किसी को मेरे साथ उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। ओ
ओम है कृष्ण, ओम ही कृष्ण है, ओम। कृष्णा 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 कृष्ण 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 Krishna, 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 Krishna,
कृष्णा 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 कृष्ण जब आप कंफर्टेबल फील करें तब अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। अब आप अपने अनुभव जय श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं सब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस श्वेता जी बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम ये जय श्री कृष्ण बोलते हैं उसका अर्थ भी समझते हैं कि नहीं समझते? ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। बोलिए श्वेता जी। हरे कृष्णा सर। जैसे ही आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया है मेरा बॉडी मतलब एनर्जी रिसीव कर रहा था, कॉस्मिक एनर्जी। मेडिटेशन मास्टर जल्दी एनर्जी मतलब पहचान लेती हूँ। माय बॉडी वाज रिसीविंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड जैसे जैसे आपने कृष्णा कृष्णा बोलना स्टार्ट किया तो माय हैंड्स वर रियली रिएक्टिंग मतलब वाइब्रेट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कृष्णा इन माय बॉडी, कृष्णा वाज रेस्पोंडिंग यू, ऐसा फील हो रहा था। बहुत अच्छा लगा सर। और कृष्णा कृष्णा बोलते गए मैं तो बिल्कुल, मेरे को तो एक सिचुएशन कुछ भी थिंकिंग कुछ भी थॉट्स नहीं आ रहे थे, एकदम काम माइंड में थी। और मैं यहाँ मेरे घर पे भी नहीं थी, आई वॉज सम ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड में थी, मैं यूनिवर्स में थी, डार्कनेस। वो डार्कनेस में भी इतना पीसफुल एनर्जी था, इतना कॉस्मिक एनर्जी, स्टिल आई एम रिसीविंग द एनर्जी। सो थैंक यू सो मच सर। आई एम ग्रेटफुल। आई एम ग्रेट। यस राधा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब आप बोल रहे थे ओम का, जब उच्चारण कर रहे थे जी, पूरे शरीर के अंदर ऐसी कंपन हो रही थी जी, जैसे कि कोई हमको अंदर से झिझोड़ रहा है। जब आप कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे तो हर इसके अंदर अलग अलग तरंग लग रही थी, जैसे कभी कोई अपने दोस्त को बुला रहा है जी, कभी माँ अपने बेटे को आवाज लगा रही कृष्णा कृष्णा, तो मतलब हर कृष्ण के अंदर एक अलग ही महसूस हो रहा था कि हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान कृष्ण को बुला रहे और भगवान सबके तरफ ध्यान दे रहे उस टाइम। जी बहुत अच्छी बात। यस गोविंद दास जी, आप कहना चाहते हैं कुछ? आपका अपने म्यूट पे रखा है गोविंद दास जी, हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये मैंने ये एक्सरसाइज का हमारा माइंड कंट्रोल हो चुकी है तो साइंस में कहा है 4 सेकंड से अपना माइंड कंट्रोल है, तो हर घंटा 1 आवर 2 आवर 3 आवर ये हर समय कैसे से माइंड कंट्रोल होगा? माइंड कंट्रोल करना ही नहीं है, ये गलती कभी नहीं करनी है जिंदगी में। अगर कुछ आगे बढ़ना है तो माइंड का कंट्रोल करना है ना, छोड़ कंट्रोल पूरक ये आत्मा को दे दीजिए। और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी ब्रेन की शक्ति को कम करने के लिए, कृष्ण की अनुभूति करने के लिए सिंपल सा रास्ता है, कृष्ण नाम का चांट कीजिए। हरे कृष्ण अलग है, उसकी ऊर्जा अलग है। आप जय श्री कृष्ण बोलते हो, क्यों बोलते हो जय श्री कृष्ण? कोई बता सकेगा क्यों बोलते हैं? अनिता जी आप बताइए। जय श्री कृष्ण ये बोला है, जय से भगवान को शक्ति शक्ति से कहा है यार, श्री कृष्ण ये कहा है छोड़े ऐश्वर्य छय ऐश्वर्य पूर्ण है, समग्र ऐश्वर्य है, समग्र जोश है, समग्र वीर्य है। और हमारा जो गोविंद दास, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कहने ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे दूसरे का भी सुनता है। आपका बराबर बोला आपने, आपके हिसाब से सही है। अब मुझे प्रणीता जी आप बताइए।
आप जो बहुत अच्छा रहा मेरे, मतलब आप जब कृष्णा कृष्णा बोल रहे थे ना, एक ऐसे बॉडी में कोई तो ऊर्जा महसूस हुई मुझे, और बाद में आपने जैसे पुकारा ना तो मेरे आंखों में आंसू आए थे, मतलब वो दिल से आए थे, तो ऐसे लगा कि कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि हम जय श्री कृष्ण क्यों बोलते। अच्छा, जय श्री कृष्ण नहीं पता। अच्छा, एक सिंपल सा और सवाल, जय और विजय में तफावत क्या? जय और विजय, जय मतलब अपन किसी को क्या बोलते हो, विजय मतलब सर विजय प्राप्त हो गई, जय मतलब जय मतलब क्या, पुकारना नहीं, खुद के इंटरनली अगर हम खुद से खुद को कंट्रोल कर पाते हैं, खुद पे मतलब खुद के नेगेटिव थॉट्स को ओवरपावर कर पाते हैं, तो वो जय है। विजय व्हेन वी डिफीट अदर्स। हाँ, विजय बाहर की, बाहर की, बाहर कोई चीज हम जीतते हैं उसे विजय कहते हैं, जब हम अंदर की चीज जीतते हैं तो उसे जय कहते हैं। जय श्री कृष्ण अगर दूसरी बार आप बोलेंगे तो इसका अर्थ है कि अंदर के कृष्ण को जीतो, उसकी जीत होने दो, उसे आगे बढ़ने दो। मेरे अंदर का कृष्ण के ऊपर मेरी जीत हो, वो मेरा सारथी बने। आज के बाद जय श्री कृष्ण का अर्थ आपको सही मानों में ये है, अंदर कृष्ण को जीतना है। कृष्ण आपके अंदर बैठा हुआ है, कहीं नहीं है बाहर, सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर। ठीक है, आगे किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, जानना है, समझना है? हाँ बोलिए बोलिए। सर बोलिए। सर जैसे पहले जब आपने ओम का जाप किया तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत हल्का, और लेकिन तब बाद में आंखें नहीं खुल रही थी, वही रीजन क्या रहा? देखो, कभी कभी कुछ चीजों का रीजन नहीं जानते हैं, आंखें क्यों नहीं खुल रही थी, तो ये आपकी अपने आत्मा की अवस्था है। अब जहां आए हो वहां पे आप विराम करना चाहते हो, आप बहुत अननेसेसरी इस दुनिया में झंझट में पड़ते हो, तो जब आपको अपना घर मिलता है तो आपको वहीं रहने का मन करता है। जैसे आपके घर में आपको अच्छा लगता है आने के बाद, ऐसे आपके अंदर जो आपका स्थान है वो मिल जाने से आपको अच्छा लगता है। आपको अपने अंदर के स्थान का अनुभव करवाना ही मेरा लक्ष्य था। ये है अनुभूति, ये है इसमें शब्द कम अनुभव ज्यादा है। यस, हेलो, यस बोलिए। सर मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। बोलिए। जब आप कृष्णा कृष्णा पुकार रहे थे अलग अलग प्रकार से, कभी माँ के स्वरूप में, कभी भाई के स्वरूप में, तो पूरी मेरी बॉडी जो थी बिल्कुल एक जगह फिक्स हुई भी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर की भी कोई दुनिया है, और कानों के पास तेज हवा महसूस हो रही थी, और आवाज सीधा जो है माइंड में इस जगह एकदम सुनाई पड़ रही थी, और यहां से आवाज जो है सीधा नीचे यहां उतर रही थी, ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल जैसे बांसुरी होती है पूरी खाली होती है, वैसी आवाज सीधा यहां से नीचे यहां तक पहुंच रही थी। बढ़िया है। और बहुत प्यारी लग रही थी, और इसके अलावा पूरा शरीर में ऐसा था कि पूरा शरीर खोखला है, खाली है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं शरीर के अंदर। बहुत अच्छी, कृष्णा के अलावा बस यही अनुभव है, और यही मंत्र है, यही जाप है। अब बुलाए वो आने, एक बार बुलाए, 100 बार बुलाए, वो आएगा ही आएगा। अगर कितनी भी भीड़ में आपको मैंने विजय करके बुलाया, आप पीछे मुड़ के देखेंगे ही देखेंगे, तो ये मेरा वादा है कि कृष्ण आपको जवाब देगा ही देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी बात का वो जवाब ना दे। वो आप उससे मिलने को जितना तत्पर है ना, उससे ज्यादा वो आपको मिलने को तत्पर है। तो मुझे तो यही अनुभूति हुई कि बाकी कुछ शरीर पूरा खोखला था, कुछ था ही नहीं।
मेरा एक ही कहना है, मुझे शास्त्रों में मुझे किसी, देखिए मुझे एक ही चीज समझ आती है कि मैं आपको किसी भी व्यंजन का स्वाद करवा सकूं, उसकी रेसिपी तो दुनिया भर बताती है, यूट्यूब भरा पड़ा है, पुस्तकें हैं, बहुत कुछ है, नहीं मजा है उसमें। आप चीज उठा के मुंह में डाले तो मजा, तो आपको पता चले कैसी है। मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य एक ही बात पे है, अनुभव, अनुभव और अनुभव, क्योंकि मन अनुभव लेने के लिए तैयार नहीं होता है। जमीन को यू नो उपजाऊ बनाने के लिए ये बातें एक घंटा हमें आपसे करनी पड़ती, बाकी बातों का बहुत कम मीनिंग है, अनुभव बहुत आसानी से मिल सकता है, यही बात आपको समझानी थी। और कोई? सर अंजलि, अंजलि जी बोलिए। सर मेरी तो हंसी ही नहीं बंद हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मतलब कृष्ण एक बच्चा और मतलब खेलना चाह रहा है, तो मेरे हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर उठ गए थे जब आप बोल रहे थे कृष्णा कृष्णा की, मैं बोल रही थी कि आओ खेले, एंड आई यू नो वांटेड टू प्ले विद हिम, सो इट वाज अमेजिंग, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस विद योर इन योर मेडिटेशन अर्लियर ट्वाइस। यही कृष्णा जो ये भगवान है ना, वो भी एक्चुअली अगर आप देखें ना भागवत में, भागवत का एक रहस्य मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ आज जी। मुझे वो ना व्यक्ति का नाम, मैंने काफी टाइम मेरे प्रोग्रामों में मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आज मैं वापस बता रहा हूँ कि भागवत में विष्णु के अवतारों की कथा है और ये आखिरी अवतार कृष्ण है। तो ये जो अवतार क्या है उसके ऊपर एक व्यक्ति ने पीएचडी की, उसकी पुस्तक मिल रही है, उसकी कीमत मुझे नाम याद नहीं आ रहा है वो व्यक्ति का, और वो पारसी व्यक्ति है, ठीक है ना, उसने पीएचडी डॉक्टरेट की है इस विषय पे, और उसने पूरे अपने वर्क के अंदर क्लियरली बताया है कि ये जो अवतार की बात की है, वो शेप्स की बात की है, इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इट इज एन एक्टिवेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। दोज हू अंडरस्टैंड न्यूरोसाइंस, दोज हू अंडरस्टैंड मिरर न्यूरॉन्स, दोज हू अंडरस्टैंड How brain functions, they would understand what actually, तो हमारे ऋषि मुनि कितने मास्टर थे। भागवत में वो शक्ति है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाना, यानी अगर आप कृष्ण के रहस्य को समझेंगे ना तो वो आठवा eighth child था। Eighth is your eighth चक्र, जब आप भेदते हो ना तो जो अनुभूति करते हो ना वो कृष्ण की अनुभूति। आई थिंक काफी हो गए, तो आपको ऑडियोज मिल जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप ऑडियोज डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए लाइफ लॉन्ग फ्री है, है ना। ये मेरे वेबसाइट पे अभी तक मैं इसको सेल कर रहा था, अभी मैं उसको आपके लिए प्रसारित कर रहा हूँ, आपके लिए दे रहा हूँ एज ए गिफ्ट, माई गिफ्ट टू यू ऑन दिस ओकेजन, एंड देर इज नथिंग इन रिटर्न आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। थैंक यू सर। सिर्फ ऑडियो आप उसे सुनिए, आप उसे शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए, कुछ भी करिए आप, या उसके आपके उसके अंदर पड़े रहने दीजिए। देखो डाउनलोड कर लिया तो भी वो लिंक ऐसी ही रहेगी, लिंक कहीं के जाके सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर दिया खो गया फोन बदल गया तो वो लिंक आपके मोबाइल में रहेगी ही, आपके ईमेल पे रहेगी ही, वो तो लिंक वहां से आप कभी भी वापस सुन सकते हो, वापस डाउनलोड कर सकते हो। सर ऑडियो हिंदी में है? हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, दोनों है जी। हिंदी वर्जन चाहिए? हाँ हिंदी वर्जन जी। और ये सारी शक्तियां आपके अंदर आपको एक्टिवेट करनी है तो मैं एक प्रोग्राम करता हूँ दिव्य शक्ति के बारे में, आपकी कुछ जानने की इच्छा होगी तो एक छोटा सा जो मेल आईडी का आपको आया है, जिससे मेल आया है उसके ऊपर अपनी इच्छा व्यक्त कर दीजिए, मैं ज्यादा जानकारी को उसके विषय में जो भी प्रोग्राम्स करने वाला हूँ वो क्या है वो बताने वाला हूँ, वहां पे उसकी बात करेंगे। अगले महीने उसके बारे में चार प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो भी फ्री, इसी की तरह से मैं बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अलग अलग विषय, ठीक है।
आपको ये अनुभव कैसा लगा, कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में? आज का अनुभव सर ऐसे रहा, जन्माष्टमी पर इससे अच्छा उपहार हमें कुछ नहीं मिल सकता था, हो ही नहीं सकता, तो आपके द्वारा हमें मिला, हम इसके लिए आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। मेरे नहीं, वो जो शक्ति है मेरे भगवान कृष्ण के तो है ही है, लेकिन कृष्ण का रास्ता दिखाने वाला गुरु गोविंद दो खड़े की बात है, सही बात है। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिला, तो हमारे लिए तो आप भी उतने ही पूज्य हैं जितने हमारे लिए भगवान कृष्ण। ये सारी की सारी जो आप शिक्षा दे रहे हो वो मैं कृष्ण भगवान के दर्शन करा दिए जी। बहुत बहुत आभार। जिसी को कुछ बोलना है बोल लिए, हम थोड़ी देर में इसको समाप्त करने वाले। एक्चुअली मैंने वो सेशन के लिए रजिस्टर करना होता है तो मैंने नहीं किया, तो ऑडियो मेरे मेल पे आएंगे या नहीं मुझे समझ। आज जितने लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस करके ईमेल में डाल के कल 11 से 12 बजे के बीच में आपको भेज देंगे। सर एक्चुअली रजिस्टर नहीं किया ये सेशन के लिए, तो फिर भी आप आए हो तो उसकी जानकारी मेरे पास है सुजीत जी। जी जी ठीक है, धन्यवाद। अगर आप रजिस्टर करते हैं सुजीत जी, मैं बीच में लेट कर, क्या होता है उसका रीजन बताता हूँ रजिस्टर करने का। तो अगर मैंने रजिस्टर किए बगैर आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजी ना जी, तो मैं वो प्रोसेस में नहीं भेज पाता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ रजिस्टर कर लो, ताकि मेरी जो वो सिस्टम है ना, वो मेरी सिस्टम नहीं, कोई भी सिस्टम से अगर मैं ईमेल भेजता हूँ ना तो वो ब्लॉक कर देता है मेरे, इसीलिए हम बोलते हैं रजिस्टर करें जी। अगर हो सके तो वहां पे जाके, तो मेरे वेबसाइट पे जाके कोई भी ऐसे रजिस्टर करवा दीजिए, प्रोग्राम के लिए नहीं, कुछ भी रजिस्टर करवा दीजिए, तो आपको मेल सही जगह पे मिल जाएगा, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा जी, जरूर। थैंक यू। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। कोई कुछ जी, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, यस बोलिए विवेक जी। सर मैं सर मैं बीच में मीटिंग लीव कर दी, सर भी मिलेगा ना मुझे? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। सर ऐसा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं हुआ जो आज हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी, आपने इसको स्वीकार किया। हरे कृष्णा सर, आज के मीटिंग का बहुत आनंद आया और वाकई एक्सपीरियंस बहुत, और जब आपने ओम का शब्द बोला तो बॉडी बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस कर रही थी, और जो आपका कृष्ण जी को आवाज लगाने का वे था ना सर, वो रियली उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है सर। आपने कृष्णा से सचमुच मिलवा दिया कि हमारे अंदर ही कृष्ण है। जी 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 जरूर। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। सर बोलिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। कृष्णा की जब आप ध्वनि कर रहे थे सर, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुंच गई थी, मैं कि मेरे को लग रहा था जैसे मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स सर। मेरी बेटियां भी सर मेरे साथ बैठी थी, उन्होंने भी अट्यूनमेंट आपकी ली जरूर, और दे आर मतलब कि वो अंदर से काम हो गई हैं। बस मेरी छोटी बिटिया कह रही है कि मेरी पूरी बॉडी में खारिश हुई है। यस। तो मैं हाँ, मेरे को समझ नहीं आया सर क्यों, क्या हुआ तो खारिश? सर इचिंग, इचिंग खारिश। हाँ इचिंग हुई। हाँ ठीक है, आप खाली बोलो कि मैं उनको, बेटी को बोलो कि मैं अपना रेजिस्टेंस रिलीज कर रही हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। ये निकल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आज कृष्ण से मिलाया आपने, और कुछ ऐसे अंदर सवाल थे, क्वेश्चंस थे, और मार्च ऑनवर्ड्स आई लेफ्ट माय जॉब, मैंने एकदम से जॉब छोड़ा था, और उस वक्त सिर्फ मैंने यही कहा था मेरे कान्हा ने कहा है जी, लेकिन
बिकॉज जॉब इज इनकम एंड आई एम अ सिंगल मदर, तो मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी, आई डोंट हैव एन इनकम. बट आज रियलाइज हुआ कान्हा ने कहा था और कान्हा ने किया बिल्कुल ठीक किया. आज वो गिल्ट नहीं है, आज शांति अंदर. वो हमेशा ठीक करते हैं, हमेशा ठीक करते हैं. हाँ वो हमेशा ठीक करते हैं सर, सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा. जी जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत अजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर नेक्स्ट क्लास आप कब दोगे हमें? हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे. मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ ना, मैं सिद्धिस के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैं डायमेंशंस के ऊपर बात करने वाला हूँ, मैं अभी शिवा के ऊपर भी बात करेंगे, हम गीता के ऊपर भी बात करेंगे. जो सर जो आज की क्लास अटेंड करी थी ना, मन में एक दो बार विचार आया कि क्या पता कैसे हो क्या हो, पर लेकिन अंदर से एक थॉट आ रही थी कि अंदर से एक हो रहा था कि नहीं यार इसको अटेंड कर लो कर लो. और उसके बाद मैंने 8-10 लोगों को भी सेंड किया, शेयर किया इसको. थैंक यू सो मच. एक दो लोगों ने अटेंड किया, बाकी जिसपे कृपा थी हरी की उसी ने करना था अटेंड. जी जो तैयार होंगे वही आएंगे. राइट एकदम राइट जी. थैंक यू सर, बहुत अच्छी थी क्लासेस आज. थैंक यू सो मच. दूसरा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी 45 की एज कल हो रही है, 7 सितंबर मेरा जो है बर्थडे है, 45 ईयर मेरी एज हो रही है. और मैंने अपने जीवन में आज तीसरी बार ईश्वर का अनुभव करा और उनके दर्शन करे. एक बार भगवान शंकर भगवान के किए थे, एक बार भगवान बद्रीनाथ जी के किए थे, और आज तीसरी बार कृष्ण भगवान के किए. जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद. और आप प्राप्त हो, सिर्फ एक बार दर्शन नहीं करना है भैया, बहनों और भाइयों, एक बार दर्शन नहीं करना है, भगवान को हर घड़ी हर समय हर सांस में महसूस करना है, यही मेरा लक्ष्य. जी सर. सर आप सिर्फ ऑनलाइन देंगे या ऑफलाइन भी लेते हैं? मैं ऑफलाइन लेता हूँ. कहाँ पर होगा सर ये? मैं बम्बई में लेता हूँ, हैदराबाद में लेता हूँ, और कई जगहों पे अभी जाऊंगा धीरे धीरे. अच्छा बॉम्बे में कहाँ लेते हैं? मैं चेंबूर मुंबई में रहती हूँ. हम आप वो हमारे ग्रुप में हो ना, आपको बताते रहेंगे. हम बॉम्बे में अंधेरी में करेंगे. अच्छा जी. सर आपके ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए अभी जो भी है वहाँ पे. आपके डिटेल्स हैं, आप एक सारे ग्रुप सारे लोग एक ग्रुप में हो ऑलरेडी, आप उस ग्रुप में रहिए सिर्फ. ओके सर. अभी अभी कुछ समय में मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग विषय पे बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने रिलीज करने हैं, बहुत सारे आपको वहां पे भी लिंक भेजता रहूंगा, तो आप सुनते रहिए. सर अपना यूट्यूब चैनल भी है कोई? जी टी प्योर एनर्जी. टी प्योर एनर्जी वो यूट्यूब चैनल पे चैनल है ऑलरेडी. अभी पी प्योर एनर्जी. सॉरी सर अंडरस्टूड नहीं हो रहा. पी फॉर पैरेट. पी पी यू आर ई एनर्जी. सर क्या लिंक ग्रुप में आएगा, इसमें भेजोगे आप? ग्रुप में दिया है ऑलरेडी लिंक, अभी भेज दिया गया है. देखिए आप अगर ग्रुप में हो आपको ईमेल भी वहां से आ जाएगा. आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी. कृष्णमय सारथी ग्रुप में रहिएगा, एंड आल्सो दूसरा ग्रुप आपको शेयर कर दिया गया है अबाउट दिव्य शक्ति जो आपको जानना था. तो स्टे इन द ग्रुप टू गेट अपडेट्स. अपना मेल आईडी डाल दीजिए, मेल आईडी पे रजिस्टर कर दिया है ये नंबर, ये ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, काफी चीजें अपडेट्स होती रहेंगी. राधे राधे. राधे राधे. हाँ और पूछना है और कुछ जानना है सर? हाँ जी. सर मैंने ऐसे बहुत लोग मिला है मुझसे मिलके मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताते हैं, ये सिद्धियां रहती है कि उनके अंदर कोई माता आती है. आपको जानना क्या है मेरे पास्ट के बारे में, मेरा नेचर? मुझे एक इंसान मिला, मुझे सब बता दिया देखते ही पहली बार में. हाँ मैं शौक रह गया. तो ये होता क्या है? ये मैं शौक हो गया सुन के. उसने मेरे बारे में, मेरे पापा मम्मी के बारे में, सबके बारे में बता दिया. ये कुछ शौक होने की बात नहीं है. मैंने आपको विवेक जी बताया कि आपकी आत्मा, अगर आत्मा से जोड़ देता हूं मैं, आपकी हर चीज को मुझे पता चल सकता है.
हर चीज पता सर, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? आप कंप्यूटर में, आप सपोज क्लाउड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप सब इंफॉर्मेशन का करेंगे क्या? आप इसका क्या उपयोग करने वाले हैं? अगर मैंने भी आपको कुछ बता दिया तो आप उसका उपयोग क्या करने गए वो इम्पोर्टेंट है ना। आप ये बात को समझिए, ये मेरे किसके पास, देखो ये सिद्धियां मैं यूज नहीं करता हूँ, सीधी बात बोलता हूँ। आपने श्री विद्या जी को सुना, वो आपके बारे में सब कुछ बता दे सकती है, बिना आपको मिले भी बता दे सकती है, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको उसका करना क्या है। अगर है कुछ जहां कुछ अटक रहा है तो रास्ता निकल जाएगा, एनर्जी चेंज करके कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में जो हम बदली नहीं कर सकते आपके सहयोग से। हाँ, मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप एकदम परफेक्ट दिखते हो, मुझे कुछ बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। विवेक जी, बदलाव जो आपको चाहिए, तो पहले दो तरह के बदलाव होते हैं, एक आपकी समझ का बदलाव होता है, एक आपकी शक्ति का बदलाव होता है। जहां आपकी शक्ति सही दिशा में नहीं जा रही है उसको सही दिशा में आपको डायरेक्ट करना, ये काम होना चाहिए जो भी आदमी बताता है उसको। आपको सही दिशा चाहिए तो हमसे जुड़िए, हम बताएंगे आपको, बड़ी बात नहीं है। जी और कुछ? नो सर। नमस्कार। I cannot hear you properly, sir. Who is that? Hello? क्या नाम बता सकते हैं? अजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अजय सोलंकी। अजय, अनम्यूट किया आप? ठीक है, आपके ऊपर लिमिटेड। ठीक है, हम आपसे आज्ञा लेते हैं, विदाई लेते हैं, आपसे फिर मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। राधे राधे, थैंक यू। जय गुरु राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण का जाप कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं, करते रहिए, कृष्ण की अनुभूति आपको होती रहेगी। कृष्ण कृष्ण, ठीक है, कृष्ण कृष्ण धन्यवाद। एक मिनट।